तो हमने आबाद किया मुल्क सुखन, कैसा सुनसान समा था पहले। हमने आबाद किया मुल्क सुखन, कैसा सुनसान समा था पहले। हमने बख्शी है खामोशी को जुबां, दर्द मजबूर फुगां था पहले। हमने ईजाद किया तेशे इश्क, शोला पत्थर में निहां था पहले। हमने रोशन किया मामूर गम, वरना हर सिमत धुआं था पहले। हमने महफूज किया हुस्न बहार, इत्र गुल सरफ खिजां था पहले। दिस इज़ माई मदर्स इंट्रोडक्शन टू लामकान एंड हमारे साथ बज़्म सुखन में ये अक्सर होता है कि जिनको समझ में आता है वो बड़े खुश होते हैं, जिनको नहीं समझ में आता वो बड़ी ज़ोर से ताली बजाते हैं। तो बज़्म सुखन की तरफ से, यानी एक मेज़बान की तरफ से दूसरे मेज़बान को शुक्रिया बहुत बहुत। बज़्म सुखन ओज इट्स इट्स एग्जिस्टेंस टू लामकान एंड टू दीज फोर। फरहान आ जाओ, दैट्स फॉर यू इधर इधर आप चाह रहे हैं। अच्छा लड़कियां, चलिए चलिए। एक्चुअली टुडे फरहान इज स्प्लिट पर्सनालिटीज। चलो शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। समबडी टेक अ फोटोग्राफ, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल टेकिंग पिक्चर्स। All right, now can I? No, no, just a minute. Wait a minute. Now may I request Anees Ayesha, the author of this book that Farhan is going to introduce, to give a copy to each of these four. Yeah. So this is the formal release of this book. The book is actually out of. तो ये किताब बिल्कुल अभी आई है। मैं मुस्तफ़ा काजमी साहब, कहाँ पे हैं मुस्तफ़ा साहब? हैं मुस्तफ़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा साहब इज़ द पब्लिशर ऑफ दिस बुक, ही इज़ जस्ट गॉट इट हॉट फ्रॉम द प्रेस राइट नाउ, जस्ट इन टाइम फॉर द रिलीज़। हम यही डर रहे थे कि शायद अगर आधा घंटा देर हो जाए तो मुश्किल हो जाएगी, एम्बेरसमेंट हो जाएगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये किताब की खासियत ये है कि ये किताब एक मुकम्मल तारुफ है उर्दू का, और आप सब लोगों के लिए है। उसके पहले पेज पे लिखा हुआ है कि आमिर और उन नालायकों के लिए जिनको उर्दू नहीं आती। तो मैं प्रूफ रीड कर रहा था तो उसको काट के मैंने उमर लिख दिया, मेरा छोटा भाई। तो अब इस किताब की खास बात ये कि ये उर्दू का एक बहुत अच्छा तारुफ, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। इंग्लिश ऐसी कि वो रोमन स्क्रिप्ट में है, और आप को ऑथर की तरफ से कॉपीज़ दी जा रही हैं, चूँकि आप लोग इतनी मेहनत से यहाँ बैठे हुए हैं इसलिए मुफ्त में। लेकिन उसकी प्राइस ये है कि आप सब लामकान के लिए एक कंट्रीब्यूशन करें, वो एक डोनेशन बॉक्स है, उसमें आप 100, 200, 500, 1000 वॉट एवर, बट 200 इज़ द नॉर्मल प्रेफर्ड एडवोकेट। शुक्रिया शुक्रिया आदा। ये किताब जो है ये कोई अदबी दस्तावेज नहीं है, लिटरेरी कोई पीस नहीं है, ये महज ये आमिर की वजह से, जब ये उर्दू इन्होंने नहीं पढ़ी, बाद में इनको शौक़ हुआ तो इन्होंने मुझसे इसरार किया कि अम्मी कुछ ऐसा कीजिए कि उर्दू सीख लें हम, और पोइट्री खास तौर से। तो इस वजह से मुझे लिखना पड़ा, और जब मेरी समझ में ये आया कि उर्दू स्क्रिप्ट पढ़ना मुश्किल है, तो फिर ये हुआ कि अच्छा चलो रोमन में लिखें, तो ये है रोमन स्क्रिप्ट में। इतनी आसानी से मिलती नहीं फ़न की दौलत, इतनी आसानी से मिलती नहीं फ़न की दौलत, कट गई उम्र तो गज़लों में जवानी आई। दैट वॉज फॉर फरहान। फरहान प्लीज फरहान, अब सम सेलेक्टेड रीडिंग्स फ्रॉम दैट बुक, जस्ट टू टेल यू द गिव यू अ फ्लेवर ऑफ व्हाट दिस बुक इज अबाउट। ओवर टू यू फरहान। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल इन रोमन, हाँ, सो व्हाट आई एम रीडिंग इज नॉट इन उर्दू, इट्स इन रोमन, एक्सेप्ट फॉर द
ashar which are there, the sher which are actually, that's both in Urdu as well as in the Latin script. Actually, it shouldn't be called Roman. Lala Lajpat Rai ne kaha, duniya ki koi zinda cheez apni hayat mein inqilab se bachkar nahi bhaag sakti. Lala Lajpat Rai, the famous revolutionary, said ke duniya ki koi zinda cheez apni hayat se, apni life se, apni hayat mein inqilab se bachkar nahi bhaag sakti. Jallianwala hai ke Nijat-e-Hind, liberation of India, ऐ के निजाते हिंद की दिल से है मुझको आरजू, हिम्मत सर बुलंद से यास का इंसदाद कर. हिम्मत सर बुलंद से, विद द करेज ऑफ हेड हेल्ड हाई, हिम्मत सर बुलंद से यास इंसदाद कर. हक से बउज़्र मसलहत वक्त पे जो करे हजर, हक से بعذر مصلحت وقت پہ جو کرے حضر. Those who avoid doing the right thing because of their own expediencies, اس کو نہ پیشوا سمجھ, اس کو نہ اس پہ نہ اعتماد کر, اس کو نہ پیشوا سمجھ, اس پہ نہ اعتماد کر. یہ جدوجہد تقریباً 50 سال تک جاری رہی, تبدیلیاں ہونے لگیں, لہٰذا اس کا اثر ادب پر بھی ہوا. قدیم طرز کی شاعری اور افسانہ گویا کم ہونے لگی. بیدار ذہنوں کو اقبال, چکبست اور سرور جہاں ابدی کی نظمیں پسند آنے لگیں. پریم چند نے نثر میں عوام کے دکھ درد کو موضوع بنایا. 1917 کی روس کی انقلاب نے سرمایہ داری نظام کے خاتمے کا اعلان کر دیا. اقبال نے کہا, اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے, اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا, اسی روز و شب میں, with this daily grind, اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. نوجوانوں میں نئی زندگی کی حرارت اور قوم و ملک کے لیے جان دینے کا جذبہ پروان چڑھتا رہا. ہندوستان میں تعلیم نسوان, دیٹ از ویمنس ایجوکیشن, اور عورتوں کی آزادی کا نظریہ پسند کیا جانے لگا. علی جواد زیدی نے مایوسی سے کہا تھا, تم ساتھ کہاں تک دو گی, تم ساتھ کہاں تک دو گی, یہاں لاکھوں ہیں زہریلے کانٹے رستے کی حفاظت کرتے ہیں, یہاں لاکھوں ہی زہریلے کانٹے رستے کی حفاظت کرتے ہیں, ہر گام پہ تلوؤں کے چھالے اب ٹوٹتے ہیں اب بھرتے ہیں, ساوند بھی ایسے رستے میں چلنے میں ہچکتے ڈرتے ہیں, تم ساتھ کہاں تک آؤ گی. لیکن اقبال نے اس کے برعکس کہا تھا, a little conservative, وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, وجود زن, with the existence of the feminine, وجود زن سے ہے تصویر کائنات, in the picture of the universe, وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, اس کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں. لیکن کیفی کہہ رہے تھے, اٹھو میری جاں میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے, توڑ کے رسم کے بت بند قدامت سے نکل, توڑ کے رسم کے بت, دا آئکنس آف کسٹم, توڑ کے رسم کے بت بند قدامت سے نکل, زوف عشرت سے نکل, وہم نزاکت سے نکل. زوف عشرت آر دا باؤنڈس آف عشرت, لگژری, وہم نزاکت, which is the fear of being delicate. زوف عشرت سے نکل, وہم نزاکت سے نکل, نفس کے کھچے ہوئے حلقے عزلت سے نکل, یہ بھی ایک قید ہے تو قید محبت سے نکل. راہ کے خار ہیں کیا گل بھی چھلکنا ہے تجھے,
उठ मेरी जा, मेरे साथ ही चलना है तुझे। कदर अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोला भी है बस अश्क फसानी ही नहीं। तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज़ जवानी ही नहीं। दिस इज़ अबाउट वुमेन, दैट्स यू नो इट्स नॉट जस्ट दैट यू आर जवान एंड दैट्स द ओनली थिंग अबाउट यू। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे। उठ मेरी जा, मेरे साथ ही चलना है तुझे। जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं। जिंदगी इज इन स्ट्रगल, नॉट इन होल्डिंग बैक। जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं। No, there's some confusion here. The lines are up and down. जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं। नब्ज़ हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं। उड़ने खुलने में है निखत, खमे गेसू में नहीं। उड़ने खुलने में है निखत। The tresses should not remain bound into a choti or whatever, but they have to be unflared out. उड़ने खुलने में है निखत, खमे गेसू में नहीं। जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं। उसकी आज़ाद रविश पर भी चलना है तुझे। तेरी खातिर है जो जंजीर, वो जंजीर भी तोड़। तौक ये भी है जमरुद का गुलो बंद भी तोड़। उठ मेरी जाँ साथ ही चलना, उठ मेरी जाँ मेरे साथ ही चलना है तुझे। जैसे मजाज ने कहा था कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। और शायर सलाम ने दुल्हन के बारे में कहा था कि मुझे तो हमदम व हमसाज चाहिए ऐसी, जो दस्त नाज में खंजर भी को हो छुपाए हुए। मुझे तो हमदम व हमसाज चाहिए ऐसी, जो दस्त नाज में खंजर भी हो छुपाए हुए। निकल पड़े सरे मैदान उड़ा के आंचल को, निकल पड़े सरे मैदान उड़ा के आंचल को, बगावतों का मुकद्दस निशान बनाए हुए। उठा के हाथ कहे इनकलाब जिंदाबाद, लहू से मिसले दुल्हन मेहंदियां रचाए हुए। उस दौर की शायरी में बगावत का एलिमेंट आ गया था। जानिसार अख्तर कहते हैं, बगावत की हवाएं चल उठी हैं शायद गुलिस्तां में, ये पैमाना उलट साकी, ये जाम जम उठा साकी। पैमाना इज द वाइन कप, सो इट सेज थ्रो इट ऑफ, एंड जाम जम इज दिस गॉबलेट इन टू विच यू कैन सी द फ्यूचर। सो इट्स अ मिथिकल एंड यू नो। बगावत की हवाएं चल उठी हैं शायद गुलिस्तां में, ये पैमाना उलट साकी, ये जाम जम उठा साकी। सरदार जाफरी, गम के सीने में खुशी की आग भरने दो हमें, गम के सीने में खुशी की आग भरने दो हमें, खून भरे परचम के पीछे रक्स करने दो हमें। मखदूम, इस जमीन मौत परवरदा को ढाया जाए, एक नई दुनिया नया आदम बनाया जाए। नौजवान अब काल मार्क्स लेनिन वगैरह की सवाने पढ़ने लगे थे, मजदूरों किसानों और मजलूमों के मसाइल पर गौर करना शुरू हो चुका था। ज़बाँ की तामीर को अहमियत दी जाने लगी, क्योंकि ज़बाँ अगर एक मुस्तकिल सूरत ना इख्तियार कर ले तो जज्बात और ख्यालात का इजहार सही तौर पर नहीं हो सकता। अदबी तहरीक का ये एहसान है। ये हकीकत सामने आ रही थी कि अदब का अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ है। दुनिया और दुनिया की मुश्किलात से दामन नहीं बचाया जा सकता। प्रेमचंद ने कहा था, हमारी कसौटी पर अब वो अदब खरा उतरेगा जिसमें तकफ़ुर हो,
آزادی کا جذبہ ہو حسن کا جوہر ہو تعمیر کی روح ہو زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو جو ہم میں حرکت ہنگامہ اور بے چینی پیدا کر دے ایک تبدیلی کا فیصلہ کر لیا گیا تاہم حسرت موہانی نے غزل کی پھر سے شروعات کی کیونکہ غزل چاشنی اور خوبصورتی سے انکار نہیں کیا جا سکتا اتنا بھی نہ پوچھ کبھی کیا حال ہے تیرا اتنا بھی نہ پوچھا اتنا بھی نہ پوچھا کبھی کیا حال ہے تیرا کیا درد محبت کی تغافل ہی دوا ہے اقبال نے نظم میں غزلیات کو اس طرح پیش کیا کہ مثال نہیں ملتی یہی بہشت بھی ہے حور و جبرائیل بھی دا پیراڈائز دا فیری دا اینجل یہی ہیں سب یہی بہشت بھی ہے حور و جبرائیل بھی تیری نگاہ میں ابھی شوقیے نظارہ نہیں تیری نگاہ میں ابھی شوقیے نظارہ نہیں جوش کہتے ہیں کہ ذرا آہستہ لے چل کاروان کیف و مستی کو ذرا آہستہ لے چل کاروان کیف و مستی کو کہ سطح ذہن عالم سخت نہ ہموار ہے ساقی جگر اس انجمن دہر کا ہر تازہ تکفر میرے لیے بے چین ہے معلوم نہیں کیوں آزاد نظموں کا رواج چل پڑا تھا ہومر شیکسپیئر ملٹن کی طرز پر بغیر قافیے کی نظمیں لکھی جانے لگیں امکانات کو ساتھ لیے آگے بڑھ رہے تھے یہ سب اختر انصاری کا بھی شمار بھی اسی دور کے شعرا میں ہوتا ہے اور یہ ایک شعر ہے جو عام طور پہ غالب سے اس کو منسلک کیا جاتا ہے لیکن ہے یہ ان کا کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا انقلابی اور ترقی پسندی کے دور نے آگے بڑھ کر اعتدال کو اپنا لیا تھا وہ اردو شاعری کی روایات کو سمجھنے اور حالات سے جوڑنے کا تصور رکھتے تھے غم دوراں اور غم جانا کا کوئی فرق نہیں زمانے کی پہچان یہی ہے پرانی قدریں یا نئی قدروں سے بدل سکتی ہیں جب ایک تہذیب ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہوتی ہے اور یہ نئی کہلاتی ہے شاعر جس زمانے کا ہوتا ہے اسی کو اپنا لیتا ہے افلاطون نے ادب کو یہ نہیں کہا کہ ادب کیا ہے بلکہ یہ کہا کہ ادب کیسا ہونا چاہیے یہی وجہ ہے کہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں شکریہ دیکھ زندہ سے پرے رنگے چمن جوش بہار دیکھ زندہ از دا جیلر دیکھ زندہ سے پرے رنگے چمن جوش بہار رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ یہ ون آف دا پوئمز دیٹ وی ریڈ ان دس بک اس میں ایک آج کل کا مسئلہ آج کل کا جذبہ جو ہم اور بھی ذکر کریں گے ایز وی گو فورتھ بٹ ناؤ آئی وڈ لائک ٹو انوائٹ رجا فرحان از بڈنگ ڈائریکٹر فوٹوگرافر Raja is going to read you this fascinating story. Raja, all yours. میں جیلانی بانو کی کہانی پڑھنے والی ہوں اس کا نام پھر میں پیدا ہوں گی ماں کا پیٹ کائنات جیسا لامحدود تھا تیزی سے گردش کرتے ہوئے اندھیروں اجالوں میں اچانک خون کا ایک ذرہ تھم گیا کن اور وہ ذرہ میں ہو گئی میں اب خون کی اس بوند کا الگ ہی وجود تھا کن اور خدا کے ایک اشارے پر میں پھول کی طرح کھلنے لگی پوری کائنات جھوم رہی تھی ہر طرف رنگ و نور بکھر گیا تھا آسمانوں پر بیٹھے ہوئے اوتاروں زمین پر بیٹھے ہوئے فنکار سب جیسے چوکنے ہو گئے تھے کائنات کی اس خوبصورت
दिलकश शय को सब देखे जा रहे थे। वो देख रही है, सुन रही है, अब चलने लगी, अब थम गई। रंगीन खिलौनों से बहलाने वाला ऊपर बैठा खिलाड़ी जैसे एक नई कठपुतली की डोरी लेकर आ खड़ा हुआ था। मैं एक अक्स थी और सारी दुनिया आईना। दुनिया के उन भेद भरे तमाशों को देखने के लिए मैं बेकरार थी। पल पल बढ़ रही थी, सरकश, खुदसर, खुद मख्तार मैं अपनी हस्ती को मनाने तली हुई थी। मैंने अपने दिल की धड़कनों को अपनी माँ की दिल से जोड़ने से इनकार कर दिया था। मैं हर तरफ ये आवाज़ गूंज रही थी। मेरे बेकरार फड़कते हुए वजूद को एक दिन माँ ने महसूस किया तो वो खुशी के मारे उसे चक्कर आ गया। वो हर तरफ दौड़ती। हर माँ के लिए ये एक अनहोनी बात होती है जब उसके खून का एक खतरा एक अलग वजूद बन जाए। एक बहुत बड़े फनकार के गुरूर समेटे हुए बिस्तर पर लेटकर एक लोरी गा रही थी। दुनिया के सारे पैगंबरों अवतारों ने खुदा को एक मर्द के रूप में क्यों पूछा? अगर वो इस वक्त मेरी माँ की सूरत देख लेते तो उन्हें खुदा का एक नया जलवा नज़र आता। उस वक्त एक महान देवता के स्थान पर बैठी हुई मेरी माँ महान देवता के स्थान पर बैठी हुई दुनिया के हर सिरे को सजाने संवारने पर लगी हुई थी। उसे जाने कितने काम आ गए थे। वो जिस तरफ देखती उसके लिए उस दुनिया में मेरे लिए बेशुमार काम थे। और माँ अकेली थी, खाली हाथ, मगर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका साया उससे लंबा हो रहा हो। उसके ऊपर ठंडी छांव आ गई हो। बाहर की दुनिया में होने वाली और हर आहट मुझे चौंका देती थी। जब चोरों की तरह आधी रात को मेरा बाप मेरी माँ के पास आया तो माँ की हंसी ने मुझे भी जगा दिया। मुझे जाने क्या हो रहा है, कोई चीज़ मेरी खोली में फड़कने लगी है। अच्छा, ये क्या बक रही है तू? रात के अंधेरे में लड़खड़ाता हुआ दबे पांव आता था तो उसने कभी ना सोचा था कि उसके खून का एक बूंद एक दिन अलग वजूद बन जाएगा। मेरे कान बाप की बात सुन रहे थे। उसे ख़त्म कर दे, वो नफ़रत भले लहजे में बोला। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, ये मेरी आवाज़ थी जो मेरी माँ के लबों से निकली। माँ ने मेरे धड़कते हुए दिल को दोनों हाथों से छिपा लिया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अपना बच्चा दे दो, मैं उसी के सहारे ज़िंदगी गुजार दूँगी। मेरी माँ उस मर्द के पैरों पर झुक गई जो मेरा बाप था। तुझे क्या चाहिए, ये सोचना मेरा काम है। उसकी बात सुनकर माँ डर गई। दुनिया के सारे अवतार, देवता, शौहर, औरत से यही बात कहते हैं, अगर पूजने वाले सामने झुक जाएं, तो भगवान का रूप धारना कितना अच्छा लगता है और भगवान के फैसले बदलना पाप है। तुझे कैसे पता कि वो लड़का होगा और फिर मेरी औलाद उस खोली में तेरी गोद में? उसने माँ की कमर पर लात मारा जो मेरे दिल पर जा लगी। मेरी बात सुन,
اتوار کی صبح مجھے اسپتال کے گیٹ پر ملنا، وہ پلنگ سے اتر کر چلا گیا۔ ماں کے ہاتھ سے جیسی ساری خوشیاں چھوٹ کر گریں اور ان کی کرچیوں سے وہ لہو لہان ہو گئی۔ وہ لڑکا ہوگا، ایک بیٹے کی ماں بن جانے کے رنگین سپنوں نے ساری رات ماں کو جھولے جھلائے۔ وہ رات بھر اپنے من پسند نوجوان مرد کے روپ میں مجھے ٹھالتی رہی۔ اس نے بے رحمی، برتری اور خود غرضی کو اپنی خوشیوں کی پھوڑیوں سے کاٹ کر ایک ایسا مرد کا روپ تراشا جس کی پناہ میں وہ چھپ جانا چاہتی تھی۔ آدھی رات کو اس نے کھولی کا دروازہ کھولا تو چاند تارے اسے دیکھ کر چمک اٹھے۔ صبح ہسپتال کی ایک لمبی میز پر لیٹی تھی۔ ڈاکٹر نے ماں کے پیٹ پر لوہے کی ایک پلیٹ رکھی تو میں گرمی سے گھبرا گئی، بے چین ہو گئی۔ سامنے اسکرین پر میرا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ ماں، میں یہاں ہوں، لڑکی ہے، ڈاکٹر کی آواز نے ماں کو جیسے کھولتے ہوئے پانی میں ڈبو دیا تھا۔ ماں ابھی تک اسکرین کی طرف یوں دیکھ رہی تھی جیسے وہ ایک نوجوان لڑکی کی ماں ہے۔ اب وہ دیکھ رہی ہے، اب سن رہی ہے، اب رو رہی ہے۔ اندر کیوں گئی، باہر کیوں آئی؟ کہیں سوچے نہ بیٹھ جائے، پھر تو ماری جائے گی۔ میری طرح ایک اندھیری کھولی میں پڑی رہے گی جہاں ہر رات کو چھپ کر کوئی آئے گا اور دن کے اجالے میں اسے پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ ماں کا دکھ جان کر ڈاکٹر اس کے پاس آئے۔ کیا تمہارا مرد لڑکی نہیں چاہتا؟ کوئی بات نہیں، میں اسے سمجھا دوں گی، وہ یہاں نہیں آئے گا، ماں نے روتے ہوئے کہا۔ اتوار کے دن وہ ماں کو زبردستی اسپتال کھینچ کر لے گیا اور ڈاکٹر کی طرف پھینک دیا، نکیل دیا۔ اتنا کیوں رو رہی ہے پاگل عورت؟ بوڑھی نرس ماں کو زبردستی میز پر لٹا رہی تھی۔ اسے تو ان تمام دکھوں سے مکتی مل جائے گی جو وہ زندگی بھر سہتی۔ سسٹر کی بات سن کر ماں تھوڑی دیر کے لیے شانت ہو گئی۔ اسے شاید وہ سارے دکھ یاد آ گئے جو عورت ہونے کی سزا میں اسے ملے تھے۔ میری بچی زندہ ہے، تم اسے مار ڈالو گی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو گی، ماں زور زور سے چلا رہی تھی۔ ہم صرف ایک انجیکشن دیں گے، وہ موم کی طرح پگھل جائے گی، ڈاکٹر ماں کو تسلی دے رہا تھا۔ وہ چاروں طرف سے ماں کو گھیر چکے تھے، انہوں نے اپنی اپنی مصلحتوں کے ماسک سے اپنے چہرے چھپا لیے تھے اور اپنے ہاتھ ایسے داستانوں سے ڈھانپ لیے تھے جو ان کے ہاتھوں پر کسی کے خون کا ثبوت نہیں دے سکتے۔ خوف سے کانپتی ہوئی ماں دیکھ رہی ہے، وہ مجھے موم کی طرح پگھلانے کا فن جانتے تھے، وہ میرا دل اور دماغ نکال کر پھینک دیں گے، جس کی انہیں ضرورت نہیں ہے، میں پھر پیدا ہوں گی۔ تھینک یو سو مچ رجا، دیٹ واز ریئلی ونڈرفل۔ دس واز جیلانی بانوز گرینڈ چائلڈ۔ سو ٹوڈے از این امپورٹنٹ ڈے، آج 27 دسمبر ہے۔ 27 دسمبر کی ایک خاص بات یہ کہ آج غالب پیدا ہوئے تھے، تو اٹ از کوئنسیڈنٹل کہ آج ہم یہ منا رہے ہیں، لیکن دا ورلڈز اردوز گریٹسٹ پوئٹ ایور واز بورن ٹوڈے 222 years ago، اینڈ وی ڈسکس غالب سیورل ٹائمس ہیئر۔ دیر از ون دیٹ از موسٹ اپروپریٹ ویئر بیکاز اٹ از دا 27th of December اینڈ وی آر کلوز ٹو دا 1st of January،
ویر غالب ونس سیٹ کی دیکھیے پاتے ہیں اس شاخ بتوں سے کیا فیض، دیکھیے پاتے ہیں کیا اس شاخ بتوں سے کیا فیض، ایک برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے. لیکن دا مور انٹرسٹنگ ون واز احمد فراز ریپلائی ٹو دس. احمد فراز نے بعد میں کہا، جب غالب نے کہا کہ ایک برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے ہوپنگ کہ اگلا سال بہتر ہوگا، تو فراز نے کہا تھا کہ نہ شب و روز ہی بدلے ہیں، نہ شب و روز ہی بدلے ہیں، نہ حال اچھا ہے. کس برہمن نے کہا ہے کہ یہ حال اچھا ہے؟ مے آئی ناؤ گیٹ رمشا. میں پرتولن حیدر کی فوٹوگرافر پڑھنے والی ہوں، لیکن آئی ایم ناٹ ہر گرینڈ چائلڈ. موسم بہار کے پھولوں سے گھرا بے حد نظر فریب گیسٹ ہاؤس، ہرے بھرے ٹیلی کی چوٹی پر دور سے نظر آ جاتا ہے. ٹیلی کے نیچے پہاڑی جھیل ہے، ایک بلکھاتی سڑک جھیل کے کنارے کنارے گیسٹ ہاؤس تک پہنچتی ہے. پھاٹک کے نزدیک والرس کی جیسی مونچھوں والا ایک فوٹوگرافر اپنا ساز و سامان پھیلائے ایک ٹین کی کرسی پر چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے. یہ گمنام پہاڑی قصبہ ٹورسٹ علاقے میں نہیں ہے، اس وجہ سے بہت کم سیاح اس طرف آتے ہیں. چنانچہ جب کوئی ماہ اصل یعنی ہنی مون منانے والا جوڑا یا کوئی مسافر گیسٹ ہاؤس میں آ پہنچتا ہے، تو فوٹوگرافر بڑی امید اور صبر کے ساتھ اپنا کیمرہ سنبھالے باغ کی سڑک پر ٹہلنے لگتا ہے. باغ کے مالی سے اس کا سمجھوتا ہے، گیسٹ ہاؤس میں ٹھہری کسی نوجوان خاتون کے لیے صبح سویرے گلدستہ لے جاتے وقت مالی فوٹوگرافر کو اشارہ کر دیتا ہے، اور جب ماہ اصل منانے والا جوڑا ناشتے کے بعد نیچے باغ میں آتا ہے تو مالی اور فوٹوگرافر دونوں ان کے انتظار میں چوکس ملتے ہیں. فوٹوگرافر مدتوں سے یہاں موجود ہے، نہ جانے اور کہیں جا کے اپنی دکان کیوں نہیں سجاتا، لیکن وہ اسی قصبے کا باشندہ ہے، اپنی جھیل اور اپنی پہاڑی چھوڑ کر کہاں جائے. اس پھاٹک کی پلیا پر بیٹھے بیٹھے اس نے بدلتی دنیا کے رنگ و تماشے دیکھے ہیں. پہلے یہاں سہن لوگ آتے تھے، برطانوی پلانٹر سفید سولار ہیٹ پہنے، کلونیل سروس کے جگادری عہدے دار، ان کے میم لوگ اور بابا لوگ. رات رات بھر شرابیں اڑائی جاتی تھی اور گراموفون ریکارڈ چیختے تھے، اور گیسٹ ہاؤس کے نچلے ڈرائنگ روم کی چوبی فرش پر ڈانس ہوتا تھا. دوسری بڑی لڑائی کے زمانے میں امریکن آنے لگے تھے، پھر ملک کو آزادی ملی اور اکا دکا سیاح آنے شروع ہوئے، یا سرکاری افسر، یا نئے بیاہی جوڑے، یا مصور، یا کلاکار جو تنہائی چاہتے ہیں. ایسے لوگ جو برسات کی شاموں کو جھیل پر جھکی دھنک کے نظارے دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ جو سکون اور محبت کے متلاشی ہیں، جس کا زندگی میں وجود نہیں کیونکہ ہم جہاں جاتے ہیں فنا ہمارے ساتھ ہے، ہم جہاں ٹھہرتے ہیں فنا ہمارے ساتھ ہے، فنا مسلسل ہمارے ہم سفر ہیں. گیسٹ ہاؤس میں مسافروں کی آوک جاوک جاری ہے، فوٹوگرافر کے کیمرے کی آنکھ یہ سب دیکھتی ہے اور خاموش رہتی ہے. ایک روز شام پڑے ایک نوجوان اور ایک لڑکی گیسٹ ہاؤس میں آن کر اترے. یہ دونوں انداز سے ماہ اصل منانے والے معلوم نہیں ہوتے تھے، لیکن بے حد مسرور اور سنجیدہ سے وہ اپنا سامان اٹھائے اوپر چلے گئے. اوپر کی منزل خالی پڑی ہوئی تھی، زینے کے برابر میں ڈائننگ ہال تھا اور اس کے پاس تین بیڈ روم. یہ کمرہ میں لوں گا، نوجوان نے پہلے بیڈ روم میں داخل ہو کر کہا، جس کا رخ جھیل کی طرف تھا. لڑکی نے اپنی چھتری اور اوور کوٹ اس کمرے کے ایک پلنگ پر پھینک دی تھی. اٹھاؤ اپنا بوریا بستر، نوجوان نے اس سے کہا. اچھا، لڑکی دونوں چیزیں اٹھا کر برابر کے سٹنگ روم سے گزرتی دوسرے کمرے میں چلی گئی، جس کے پیچھے ایک پختہ سا گلیارا تھا. کمرے کے بڑے بڑے دریچوں میں سے وہ مزدور نظر آ رہے تھے جو ایک سیڑھی اٹھائے پچھلی دیوار کی مرمت میں مصروف تھے. ایک بیرا لڑکی کا سامان لے کر اندر آیا اور دریچوں کے پردے برابر کر کے چلا گیا. لڑکی سفر کے کپڑے تبدیل کر کے سٹنگ روم میں آ گئی. نوجوان آتشدان کے پاس ایک آرام کرسی پر بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا. اس نے نظر اٹھا کر لڑکی کو دیکھا. باہر جھیل پر دفتن اندھیرا چھا گیا تھا. وہ دریچے میں کھڑے ہو کر باغ کے دھندلکے کو دیکھنے لگی، پھر وہ بھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی. نہ جانے وہ دونوں کیا باتیں کر رہے تھے. فوٹوگرافر جو اب بھی نیچے پھاٹک پر بیٹھا تھا، اس کا کیمرہ آنکھ رکھتا تھا. کچھ دیر بعد وہ دونوں کھانا کھانے کے کمرے میں گئے اور دریچے سے لگی ہوئی میز پر بیٹھ گئے. جھیل کے دوسرے کنارے پر قصبے کی روشنیاں جھلملا اٹھی تھیں. اس وقت تک ایک یورپین سیاح بھی گیسٹ ہاؤس میں آ چکا تھا. وہ خاموش ڈائننگ ہال کے دوسرے کونے میں بیٹھا خط لکھ رہا تھا.
चंद पिक्चर पोस्ट कार्ड उसके सामने मेज़ पर रखे थे। ये अपने घर ख़त लिख रहा है, मैं इस वक्त पुरसरार मशरक़ के पुरसरार डाक बंगले में मौजूद हूँ। सुर्ख साड़ी में मलबूज एक पुरसरार हिंदुस्तानी लड़की मेरे सामने बैठी है। बड़ा ही रोमांटिक माहौल है, लड़की ने चुपके से कहा। उसका साथी हंस पड़ा। खाने के बाद वो दोनों फिर सिटिंग रूम में आ गए। नौजवान अब उसे कुछ पढ़कर सुना रहा था। रात गहरी होती गई, दफ़तन लड़की को ज़ोर की छींक आई और उसने सूँ करते हुए कहा, अब सोना चाहिए। तुम अपनी ज़ुकाम की दवा ना पीना भूलना, नौजवान ने फिक्र से कहा। हाँ शब्बा खैर, लड़की ने जवाब दिया और वो अपने कमरे में चली गई। पिछला गलियारा घुप अंधेरा पड़ा था, कमरा बेहद पुरसकून और आरामदेह था, ज़िंदगी बेहद पुरसकून और आरामदेह थी। लड़की ने कपड़े तब्दील करके सिंघार मेज़ की दराज खोल दवा की शीशी निकाली कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने अपना सियाह किमोनो पहनकर दरवाज़ा खोला। नौजवान ज़रा खेरा हुआ सामने खड़ा था। मुझे भी बड़ी सख्त खांसी उठ रही है, उसने कहा। अच्छा, लड़की ने दवा की शीशी और चमचा उसे दिया। चमचा नौजवान के हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया। उसने झुककर चमचा उठाया और अपने कमरे की तरफ चला गया। लड़की रोशनी बुझाकर सो गई। सुबह को वो नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में गई। जीने के बराबर वाले हॉल में फूल महक रहे थे। तांबे के बड़े बड़े गुलदान ब्रासों से चमकाए जाने के बाद हॉल के झिलमिलाते चूबी फर्श पर एक कतार में रख दिए गए थे और ताज़ा फूलों के अंबार उसके नज़दीक रखे हुए थे। बाहर सूरज ने झील को रोशन कर दिया था और जर्द रू सफ़ेद तितलियाँ सब्ज़े पर उड़ती फिर रही थीं। कुछ देर बाद नौजवान हंसता हुआ जीने पर नमूदार हुआ। उसके हाथ में गुलाब के फूलों का एक गुच्छा था। माली नीचे खड़ा है, उसने गुलदस्ता तुम्हारे लिए भिजवाया है, उसने कमरे में दाखिल होकर मुस्कुराते हुए कहा। गुलदस्ता मेज़ पर रख दिया। लड़की ने एक शगुफा उठाकर बेख्याली से उसे अपने बालों में लगा लिया और अखबार पढ़ने में मसरूफ़ हो गई। एक फ़ोटोग्राफ़र भी नीचे मंडला रहा है, उसने मुझसे बड़ी संजीदगी से तुम्हारे मुतालिक दरियाफ्त किया कि तुम फलां फिल्म स्टार तो नहीं, नौजवान ने कुर्सी पर बैठकर चाय बनाते हुए कहा। लड़की हंस पड़ी। वो एक नामवार रकस्सा थी मगर इस जगह पर किसी ने उसका नाम भी ना सुना था। नौजवान लड़की से भी ज़्यादा मशहूर मौसिकार था मगर उसे भी यहाँ कोई ना पहचान सका था। उन दोनों को अपनी इस आर्जी गुमनामी और मुकम्मल सुकून से मुख्तसर लम्हात बहुत भले मालूम हुए। कमरे के दूसरे कोने में नाश्ता करते हुए अकेले यूरोपियन ने आंखें उठाकर उन दोनों को देखा और ज़रा सा मुस्कुराया। वो भी उन दोनों के खामोश मसरत में शरीक हो चुका था। नाश्ते के बाद वो दोनों नीचे गए और बाग के किनारे गुलमोहर के नीचे खड़े होकर झील को देखने लगे। फोटोग्राफर ने अचानक नमोदार होकर बड़े ड्रामाई अंदाज में टोपी उतारी और ज़रा झुककर कहा, फ़ोटोग्राफ लेडी। लड़की ने घड़ी देखी, हम लोगों को अभी बाहर जाना है, देर हो जाएगी। लेडी, फ़ोटोग्राफर ने पाँव मुंडेर पर रखा और एक हाथ फैलाकर बाहर की दुनिया के संग इशारा करते हुए जवाब दिया। बाहर कारजारे हयात में घमसान का रंग पड़ा है। मुझे मालूम है इस घमसान से निकलकर आप दोनों खुशी के चंद लम्हे चुराने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। देखिए, इस झील के ऊपर धनक पल की पल में गायब हो जाती है, लेकिन मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लूँगा, इधर आइए। बड़ा लसान फोटोग्राफ़र है, लड़की ने चुपके से अपने साथी से कहा। माली दूसरे दरख्त के पीछे से निकला और लपक कर एक और गुलदस्ता लड़की को पेश किया। लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी और वो और उसका साथी अमर सुंदरी पार्वती के मुजस्मे के करीब जाकर खड़े हुए। लड़की की आंखों में धूप आ रही थी, इसलिए उसने ज़रा मुस्कुराते हुए आँखें चुंधिया दी थी। तस्वीर उतर गई। तस्वीर आपको शाम को मिल जाएगी। थैंक यू लेडी, थैंक यू सर, फोटोग्राफर ने ज़रा सा झुककर दोबारा टोपी छुई। लड़की और उसका साथी कार की तरफ चले गए। सैर करके वो दोनों शाम पड़े लौटे और संध्या की तारीकी रोशनी में देर तक बाहर घास पर पड़ी कुर्सियों पर बैठे रहे। जब कोहरा गिरने लगा तो अंदर निचली मंजिल के वसी और खामोश ड्राइंग रूम में तारीखी कुमकुमों की रोशनी में आ बैठे। न जाने क्या बातें करते थे जो किसी तरह ख़त्म ही नहीं होती थी। खाने के वक्त वो दोनों ऊपर चले गए। सुबह सवेरे वो वापस जा रहे थे और अपनी बातों की महवियत में उनको फोटोग्राफ़र और उसकी खींची हुई तस्वीर याद भी न रही थी। सुबह को लड़की अपने कमरे में थी जब बैरे ने अंदर आकर एक लिफाफा पेश किया। फ़ोटोग्राफ़र साहब ये रात को दे गए थे, उसने कहा। अच्छा, ये सामने वाली दराज में रख दो, लड़की ने बेख्याली से कहा
और बाल बनाने में जुटी रही। नाश्ते के बाद सामान बांधते हुए उसे वो दराज खोलना याद न रहा और जाते वक्त खाली कमरे पर एक सरसरी नज़र डालकर वो तेज़ तेज़ चलती कार में बैठ गई। नौजवान ने कार स्टार्ट की, फाटक से बाहर निकाली। फोटोग्राफर ने पुलिया पर से उठकर टोपी उतारी। मुसाफिरों ने मुस्कुराकर हाथ हिलाए, कार रवाना हो गई। वो वॉलरस जैसी मूछों वाला फोटोग्राफर अब बहुत बूढ़ा हो चुका है और उसी तरह उस गेस्ट हाउस के पाठक पर टीन की कुर्सी बिछाए बैठा है। सयाहों की तस्वीरें उतारता रहता है जो अब नई फ़िज़ाई सर्विस शुरू होने की वजह से बड़ी तादाद में इस तरफ आने लगे हैं। लेकिन इस वक्त एयरपोर्ट से जो टूरिस्ट कोच आकर फाटक में दाखिल हुई, उनमें से सिर्फ एक खातून अपना अटैची केस उठाए बरामद हुई और ठिटक कर उन्होंने फोटोग्राफर को देखा, जो कोच को देखते ही फौरन उठ खड़ा हुआ था, मगर किसी जवान और हसीन लड़की के बजाय एक अधेड़ उम्र की बीवी को देखकर मायूसी से दोबारा जाके अपनी कुर्सी पर बैठ चुका था। खातून ने दफ्तर में जाकर रजिस्टर में अपना नाम दर्ज किया और ऊपर चली गई। गेस्ट हाउस सुनसान पड़ा था। सयाहों की एक टोली अभी अभी आगे रवाना हुई थी और बैरे ने कमरे की झाड़ पोंछ कर चुकी थी। तांबे के गुलदान ताज़ा फूलों के इंतज़ार में हॉल के फर्श पर रखे झिलझिला कर रहे थे और डाइनिंग हॉल में दरीचे के नीचे सफ़ेद बर्रा मेज़ पर छुरी कांटे जगमगा रहे थे। खातून दरमियाने बेडरूम में गुजरकर पिछले कमरे में चली गई और अपना सामान रखने के बाद फिर बाहर आकर झील को देखने लगी। चाय के बाद वो खाली सिटिंग रूम में जा बैठी। रात हुई तो जाकर अपने कमरे में सो गई। गलियारे में से कुछ परछाइयों ने अंदर झाँका तो वो उठकर दरीचे में गई, जहाँ मजदूर दिन भर काम करने के बाद सीढ़ी दीवार से लगी छोड़ गए थे। गलियारा भी सुनसान पड़ा था। वो फिर पलंग पर आकर लेटी तो चंद मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई न था। वो फिर आकर लेट गई, कमरा बहुत सर्द था। सुबह को उठकर उन्होंने अपना सामान बांधते हुए सिंगार मेज़ की दराज खोली तो उसके अंदर बिछे पीले कागज़ के नीचे लिफाफे का कोना नज़र आया जिस पर उसका नाम लिखा था। खातून ने ज़रा ताज्जुब से लिफाफा बाहर निकाला। एक कॉकरोच कागज़ के तह में से निकलकर खातून के उंगली पर आ गया। उन्होंने दहल कर उंगली झटकी और लिफाफे में से एक तस्वीर सरक कर नीचे गिर गई, जिसमें एक नौजवान और एक लड़की अमर सुंदरी पार्वती के मुजस्मे के करीब खड़े मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर का कागज़ पीला पड़ चुका था। खातून चंद लम्हों तक गुमसुम उस तस्वीर को देखती रही, फिर उसने अपने बैग में रख लिया। बैरे ने बाहर से आवाज़ दी कि एयरपोर्ट जाने वाली कोच तैयार है। खातून नीचे आ गई। फोटोग्राफर नए मुसाफिरों की ताक में बाग की सड़क पर टहल रहा था। उसके करीब जाकर खातून ने बेतकल्लुफ़ी से कहा, कमाल है, 15 बरस में कितनी बार सिंघार मेज़ की सफाई की गई होगी, मगर ये तस्वीर कागज़ के नीचे उसी तरह पड़ी है। फिर उनकी आवाज़ में झल्लाहट आ गई, और यहाँ का इंतज़ाम कितना ख़राब हो गया है, कमरे में कॉकरोच ही कॉकरोच। फोटोग्राफर ने चौंक कर उनको देखा और पहचानने की कोशिश की, फिर खातून की झुर्रियों वाले चेहरे पर नज़र डालकर अलम से दूसरी तरफ देखने लगा। खातून कहती रही, उनकी आवाज़ भी बदल चुकी थी, चेहरे पर दुरुस्ती और सख्ती थी, अंदाज में चिचड़ापन और बेजारी। वो सपाट आवाज़ में कहे जा रही थी, मैं स्टेज से रिटायर हो चुकी हूँ, अब मेरी तस्वीरें कौन खींचेगा भला। मैं अपने वतन वापस जाते हुए रात की रात यहाँ ठहर गई थी। नई हवाई सर्विस शुरू हो गई है, ये जगह रास्ते में पड़ती है। और आपके साथी, फोटोग्राफर ने आहिस्ता से पूछा। कोच ने हॉर्न बजाया। आपने कहा था ना कि कारजार हयात में घमसान का रंग पड़ा है, उसी घमसान में कहीं खो गए। कोच ने दोबारा हॉर्न बजाया और उनको खोए भी मुद्दत गुजर गई है। अच्छा, खुदाफिज़। खातून ने बात ख़त्म की और तेज़ तेज़ कदम रखती कोच की तरफ चली गई। वॉलरस की जैसी मूछों वाला फोटोग्राफर फाटक के नज़दीक जाकर अपनी टीम की कुर्सी पर बैठ गया। जिंदगी इंसानों को खा गई, सिर्फ कॉकरोच बाकी रहेंगे। जिंदगी भर के लिए रूठ के जाने वाले, मैं अभी तक तेरी तस्वीर लिए बैठा हूँ। और वो एक बड़ा मशहूर सा शेर तस्वीर का कि एक इधर इधर एक कमी थी ताजमहल में, मैंने तेरी तस्वीर लगा दी। इलाहे,
मैं जिलानी बानू की एक कहानी पढ़ने वाली हूँ और मैं उनकी मोबोली बेटी हूँ, तो आप देख रहे हैं कि घर का मामला है ये सब। तो कहानी का उन्वान है अद्दू, और उम्र हो गई तो मेरी भी ऐनक लग गई। अद्दू। आज अद्दू अचानक बहुत बड़ा और सबसे अहम बन गया, जैसे पत्थर अपनों से कटकर खुदा बन जाते हैं। अद्दू को भी आज दुनिया की हर चीज़ हकीर और नाकाबिले तस्वीर नज़र आ रही थी, क्योंकि आज वो अपने आप को साहब की तरह ऊंचा महसूस कर रहा था। आज उसकी जेब में एक रुपया था, सचमुच का एक रुपया, इसलिए तो जेब की तरफ से एक तरफ को झुक गया था। आज उसे मालूम हुआ कि हवाई जहाज़ अपने आप बग़ैर किसी डोर के सहारे आसमान पर कैसे उड़ता है, साहेब की मोटर कैसे जन से चल निकलती है, और सर्कस में पहलवान कैसे हाथी को अपने सीने पे खड़ा कर लेता है। ये सब पैसे का कसबल है मियाँ, उसका चाचा मस्तान ठीक कहता था। इसी वजह से अद्दू भी बाज़ार में यूं चल रहा था जैसे उसकी टांगों दो बांस ऊपर हो गई हो और नीचे के गरीब मखलूक को वह रोंगता हुआ गुजर रहा हो। फुटपाथ के हर खोंचे फरोश से उसने पूछा, गाजरें कितने में दोगे, केले कितने में दोगे, सीताफल रुपये में कितने दोगे, एक रुपये वाली आइसक्रीम है। इन सब चीज़ों के नाम पूछकर उसके दिल में ऐसी ठंडक हो गई जैसे उसने एक रुपये वाले आइसक्रीम का पूरा ग्लास खा लिया हो। अक्सर वो जब बेगम साहिबा के साथ बाज़ार जाता तो उसे सख्त ताज्जुब होता कि इतने संतरे, आइसक्रीम, चाट और मिठाइयाँ बिक रही हैं, मगर पर्स में रुपये रखने के बावजूद बेगम साहिबा का दिल क्यों नहीं चाहता कि ये सब चीज़ें खा लें। वो भी एक रुपये में दुनिया भर का जायका चख सकता था, हर चीज़ ख़रीद सकता था, फिर बेसब्रा क्यों करे, बेसब्रापन क्यों करे। पहले वो भी तमाम निदद्दे बच्चों की तरह सोचता करता था कि कहीं से एक रुपया मिल जाए तो मिनट भर में खा पी डाले, मगर दौलत इंसानों को बुर्दबारी भी सिखा देती है। उसने रुपया जेब में रखा तो बड़ा मुतमईन सा हो गया। रोज़ की तरह आज भी बेगम साहिबा ने उसे लात मारकर उठाया तो अद्दू को क्या मालूम था कि आज क्या सूरज उसकी किस्मत बदलने वाला है। ये सब झूठ ना बोलने का नतीजा था। मौलवी साहब के कहने पर उसने झूठ बोलने की ना बोलने की कसम खाई थी। अपने दिल से वादा किया था कि कभी चोरी नहीं करेगा। जब कभी उसका दिल किसी चीज़ के लिए ललचाता तो वह धड़कते दिल से अलीफ लाम मीम का सिपारा उठाकर चूम लेता, बस फौरन सुकून मिल जाता। मौलवी साहब कहते हैं कि जन्नत के दरवाज़े चोरी ना करने वालों के लिए खुले रहेंगे, वो जिन्होंने चोरी नहीं की, झूठ नहीं बोला। अद्दू के पसीने और मैल में डूबे हुए कपड़ों से अचानक जन्नत फिरजौत के इत्र की खुशबू बकाबक आने लगी। ये दुनिया तो सराय फ़ानी है, जो भी तकलीफ़ें हैं पल भर में ख़त्म हो जाएगी, और फिर नेक दिल इंसानों के लिए फरिश्ते जन्नत के दरवाज़े खोल देंगे। जब सिद्दीक और शफीक़ मौलवी साहब से कुरान शरीफ पढ़ते थे तो अद्दू दूर बैठा मौलवी साहब की सारी बातें अपने दिल में उतारता था। हालांकि सिद्दीक़ और शफीक़ को मौलवी साहब की सारी बातें याद रहती थी ना सबक। कितनी बार खोंचे में रखे फलों ने उसे इशारा किया, मेज़ पर रखी मिठाइयों ने उसे बुलाया, बेगम साहबा के पानदान से अठन्नी चवन्नी गिर गई तो उसने झाड़ू देते वक्त यूं उठाई जैसे जलता हुआ अंगारा छू लिया हो। भला एक चवन्नी की खातिर दोजख के अंगारे कौन मोल ले। रात को जब थकन के मारे नींद ना आती तो वो सोचता, ईद कब आएगी, ईद के दिन साहेब एक अठन्नी ज़रूर देंगे, बेगम साहिबा तो एक चवन्नी से ज़्यादा कभी नहीं देती, शायद छोटे मियाँ भी एक चवन्नी दे दे तो एक रुपया हो जाएगा, आठ आने की आइसक्रीम, दस पैसे के चने, चार आने का शरबत, अरे नहीं नहीं इतना चटोरपन ठीक नहीं है, वो रुपया मैं आपा की मुन्नी को दे आऊँगा, आपा बेचारी ससुराल में कितनी दुबली हो गई है। एक बार वो 5 मील चलकर आपा के घर गया था तो आपा उसे देखकर बिल्कुल खुश न हुई, एक कोने में ले जाकर बोली, अद्दू तुम यहाँ मत आया करो, मेरी सास ताने देती है कि मामू क्या लाया है मुन्नी के लिए। बस तो अब की ईद पर मुन्नी को एक रुपया दे आऊँगा, आपा खुश हो जाएगी। मगर एक रुपये भी भनक कान में पड़ते ही अम्मा सर पर खड़ी हो जाती है, बहुत रोने धोने पे शायद 10 पैसे दे दे। बहुत दिन हो गए साहब ने कहा था कि अद्दू को एक चवन्नी देंगे, क्योंकि वो रोज़ उनकी गाड़ी को आधा मील तक धक्का देता था,
फिर कार के स्टार्ट होते ही वो जन से चले जाते और चवन्नी की बात दूसरे दिन पे टल जाती। आज भी जब वो साहब की गाड़ी ढकलते हुए हाँप रहा था तो सोचा कि आज के चवन्नी की बात साहब को याद दिला दूँ, मगर साहब को शायद खुद ही याद आ गया। उन्होंने पर्स निकाला और चवन्नी ढूंढी, ना मिली तो पर्स बंद करके जेब में रखा और कार स्टार्ट कर दी। अपने मैलों हाथों को दबाते हुए अद्दू हाँपने लगा। रोज कार ढकलने से उसके सीने में दर्द होने लगा था। गेट की तरफ मुड़ते ही उसकी नज़र ज़मीन पर गई और वो तेज़ी से उधर झपटा। उसकी मुट्ठी में एक रुपये का करारा नोट था, सचमुच का नोट। खौफ और खुशी के मारे वो कांपने लगा। रुपये का नोट इतना वज़नी था कि वो एक रुपये समेत एक कदम भी ना उठा सका। जिनके पास बहुत से रुपये होते हैं वो न जाने कैसे इस अजाब में गिरफ्तार होंगे, अड्डू ने बड़े दुख से सोचा। अब साहब की कार चौराहे से मुड़ चुकी थी और खुले हुए गेट के बाहर कोई नहीं था। रुपया हाथ में आते ही अद्दू अंदेशनों और ख़तरों में घिर गया। वो एक रुपये की दौलत समेत अकेला था और सारी दुनिया लुटेरों से भरी हुई थी। वो बोझल पैरों से को घसीटता हुआ आहिस्ता आहिस्ता बाज़ार की सिम जाने लगा और फिर फुटपाथ पर बैठकर गौर से रुपये को देखने लगा। उसे दबा दबा के तय किया, एक कागज़ में लपेटा और एहतियात से जेब में रख लिया। अब उसमें एक दौलतमंद इंसान की सोच बोझ आ चुकी थी। अब उसके मुंह में ना जाने कितने चीज़ों का जायका घुल रहा था और खौफ के धुन चारों तरफ फैल रही थी। चाउश की दुकान पर एक लड़की नारियल खरीद रही थी। मुझे भी एक रुपये का नारियल देना, मगर ग्राहकों की भीड़ में चाउश ने उसकी बात नहीं सुनी। अच्छा ही हुआ, अगर वो उस रुपये का नारियल खा लेता तो क़यामत के रोज़ अल्लाह मियाँ उसके हाथों पर अंगारे रख देते। अंगारे की जलन से उसने घबराकर हाथ खींच लिया तो रुपया नीचे गिर गया। जल्दी से उठाकर फिर एक बार नोट को गौर से देखा। रुपये पर तीन शेरों की तस्वीर बनी थी, जैसे वो शेर पहरा दे रहे हों कि इस रुपये को कोई बेईमानी से चुरा ना ले। पास से एक आदमी गुजरा तो उसने बड़े गौर से अद्दू को देखा, जैसे पहचान लिया हो कि वो चोर है। कहीं पुलिस को इत्तला ना दे दे, हथकड़ी पहन के थाने जाना पड़ेगा। वो खौफ से लरजने लगा। अल्लाह मियाँ मुझे बचा ले, मेरे मौला मदीने बुला ले मुझे। मगर चोरी करके मदीने जाएगा बेशरम, लानत है तुझ पर अद्दू के बच्चे। ये लो, ये तो घर वाली गली आ गई। अम्मा पूछेगी रुपया कहाँ से आएगा, झूठ बोलना पड़ेगा, चोरी और झूठ। खौफ के मारे वो लरजने लगा। लोग 11 बज गए, बेगम साहिबा चिल्ला रही होगी कि आज अद्दू कहाँ मर गया, गोश्त तरकारी कौन लाएगा, झाड़ू कौन करेगा, कपड़े कौन धोएगा, बच्चों का टिफ़िन लेकर स्कूल कौन जाएगा। वो यूं सर पर भागा जैसे बेगम साहिबा की आवाज़ सुन ली हो। बेगम साहिबा की याद करके उसका अच्छा खासा काम बिगड़ गया और बेगम साहिबा ने उसका नाम भी बिगाड़ दिया था। उसका नाम था आदम अली खान, मगर इंसानों ने आदम के नाम की जिस तरह तजलील की है, अद्दू भी उन्हें उससे ना बच सका। उसके नाम के सारे फूल पत्ते झड़ गए और वो निरा अद्दू रह गया। अब ये रुपया मैं आपा की मुन्नी को दे आऊँगा, आपा खुश हो जाएगी, मुमकिन है दाल चावल भी खिला दे। अब तो भूख लग रही है, आधा दिन गुजर गया, आज तो नाश्ता भी नहीं किया। मगर आपा की ससुराल 5 मील दूर थी, पांव दुख जाएंगे। फिर भी वो चलता रहा मुन्नी को रुपया देने की खुशी में। गर्म सड़क पर पांव जल रहे थे। इस रुपये की चप्पल खरीद लूँ, पुरानी चप्पलें मोची 1 रुपये में दे देता है, मगर फिर आइसक्रीम कैसे खाऊंगा। एक ठेले में पक्के पक्के मौज बिक रहे थे। बहुत दिनों से उसका जी चाह रहा था खाने को। जल्दी से उसने एक मौज खरीद लिया। फिर जब ठेले वाले ने 1 अठन्नी और 1 चवन्नी वापस की तो अद्दू का दिल धक सा हो गया। लो रुपया ख़त्म, सिर्फ 1 अठन्नी और 1 चवन्नी रह गई, नहीं चाहिए मुझे मौज। उसने जल्दी से मौज ठेले में रख दिया और अपना रुपया मुट्ठी में दबा लिया। अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरा ईमान बच गया। मौस खा लेता तो 1 अठन्नी अम्मा छीन लेती और क़यामत के दिन कोई अम्मा अपने बच्चे को नहीं पहचानेगी। हर शख्स को गुनाहों का बोझ उसकी गर्दन पर लेना होगा। अम्मा भी 1 अठन्नी के चावल लेकर पकाएगी और दोजक का सांप बिच्छू मुझे काटेंगे। अब आपा का घर सामने नज़र आ रहा था। वो अपनी झोपड़ी के सामने बैठी मुन्नी के सर में जुएँ देख रही थी। मुन्नी को सामने देखकर वह खुशी के मारे दौड़ने लगा, मगर मुन्नी को रुपया देकर भी दोजक का आग तो बटोरना पड़ेगा।
वो ठहर गया। प्यास और भूख के मारे हल्ला खुश हो रहा था। सामने होटल पे ऊपर फांटा की बोतल पड़ी थी जिससे मीठे ठंडे ठंडे शरबत की धार टपक रही थी। कितना मज़ा आएगा ये शरबत पीकर। अद्दू ने मुट्ठी में दबाया हुआ रुपया गौर से देखा मगर वो रुपया आईना बन गया जिसमें दोजख के शोले उसकी तरफ लपक रहे थे। निढाल थका हुआ दोजख की आँच में सुलगता हुआ भूखा प्यासा अद्दू आहिस्ता आहिस्ता लौटने लगा आप और मुन्नी से मिले बगैर। अबे अद्दू, अद्दू के बच्चे, आज सुबह से कहाँ गायब हैं तू? तेरी बेगम साहिबा खफा हो रही हैं। पड़ोस के मामा ने उसे देखकर पुकारा। घबरा के अद्दू वो रुपया जेब में डालने लगा तो वो करीब आई। क्या तू बंगले से कुछ चुरा के भागा है? मामा तफशीश भरे अंदाज से उसे देखने लगी। नहीं तो मैं क्यों चुराने लगूंगा? उसने मामा को टाल दिया मगर आंसू दबकर थमने को तैयार नहीं हुए। कहीं बेगम साहिबा को यह मालूम हो गया कि वो रुपया चुरा कर भागा तो वो पुलिस को बुला लेगी, लोग उसे चोर चोर पुकारेंगे। वो अभी जाकर रुपया बेगम साहिबा को दे देगा। बेगम साहिबा खुश हो जाएंगी, सारे मोहल्ले में उसके ईमानदारी के चर्चे होंगे, मोहल्ले के दूसरे नौकरों को उसकी मिसालें दी जाएंगी और फिर जन्नत के दरवाजे उसके सामने खुल जाएंगे। मारे मारे कदमों से वो फाटक में दाखिल हुआ। उसकी आमद की इत्तला पहले से ही पहुंचा दी गई और सारे मोहल्ले की लौंडियाँ बेगम साहिबा के अदालत में उसके मुकदमे का फैसला सुनने को इकट्ठा हो चुकी थी। सुबह गेट पे पड़ा मिला था मैल और पसीने में भीगा रुपया उसने बेगम साहिबा के सामने रख दिया। बेगम साहिबा वरांडे पे कुर्सी पे लेटे अखबार पढ़ रही थी। अखबार रखे उन्होंने अद्दू को घूरा और थम से उसके मुँह पर एक थप्पड़ मारा और बोली, चोटे सच सच बता तूने आज और कितने रुपये चुराए हैं जिनसे सारा दिन गुलशर उड़ाता रहा। देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा मैंने जाना गोया ये भी मेरे दिल में है। जीलानी बानो का बहुत की बहुत बात होती रही। वो उसी गज़ल की एक का एक मिसरा की जिक्र मेरा मुझसे बेहतर है के उस महफिल में है। एक और बड़े बहुत बड़े शख्सियत की को हम इन्हीं दिनों याद करते हैं और उनके बारे में एक शायर ने कहा था, मैं वो लाइन पढ़ रहा हूँ। मैं आप ज़हीन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप समझें वो कौन है। अब संग व खिश्त खाक व खिजफ सर बुलंद हैं, ताजे वतन का लाले दरख्शां चला गया। वो राजदान महफिल यारा नहीं रहा, वो राजदान महफिल यारा नहीं रहा, वो गम गुसारे बज़्म हरीफ़ा चला गया। हिंदू चला गया न मुसलमान चला गया, हिंदू चला गया न मुसलमान चला गया, इंसान की जस्तजू में इंसान चला गया। फॉर दोज ऑफ यू स्मार्ट वंस हु डिडंट डिस्कवर हु दिस वाज, दिस इज़ मजाज अबाउट गांधी जी। वी हैव Mir Ali Husain now, whose work on several poets is just as amazing as you will hear when you hear him talking about one of our favorite poets, Sahir. So over to Mir Ali Husain. Just a quick preamble. Sahir Ludhianvi was born in 1921, perhaps the greatest lyricist in the history of Hindustani cinema. We are coming up on his centenary, and Amita Talwar, I don't know, Amita, are you here? Is planning to put together a first-person theatrical piece in Sahir's voice, and when she asked me to write it, if I would write it, I jumped at the opportunity. So what I'm presenting here is an early draft of the piece, proof of concept, if you will. Amita intends to use a professional actor, musicians, and visuals in her production. Today you'll have to make do with just me. In case you are the kind that needs to glance at your watch, I'm going to take about an hour and 10 minutes or so. My presentation is in Urdu. Obviously, I'm going to be speaking in Sahir's voice, and I realize that not all of us are equally familiar with the poetic vocabulary. Lekin mujhe yakeen hai ke
आपको इस पेशकश के चंद अल्फाज अगर समझ में भी ना आए तो ये शीरी ज़बान की जो लोच है, जो खनक है, इससे आप ज़रूर लुत्फ़ पाएंगे. I don't have any musicians accompanying me, so I'm counting on you to help me do the singing. Yeah. You'd better come through. Let's do a warm-up song. Where are my peeps at? Okay. फैली हुई हैं सपनों की बाहें, आजा चल दें कहीं दूर. फैली हुई नहीं आता आप लोगों, आजा चल दें कहीं दूर. वही मेरी मंजिल वही तेरी राहें, आजा चल दें. ऊदी घटा के साए तले छिप जाएं, धुंधली फिजा में कुछ कोएं कुछ पाएं, सांसों की लय पे कोई ऐसी धुन गाएं, दे दे जो दिल को दिल की पनाहें, आजा चल दें. गाइए गाइए. फैली हुई है सपनों की बाहें, आजा चल दें कहीं दूर. You're going to have to do a little better than that, okay? All right, let's get going. आजा चल दें कहीं दूर. आओ के कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, वरना ये रात आज के संगीन दौर की डस लेगी जानो दिल को कुछ ऐसे के जानो दिल, ता उम्र फिर ना कोई हसीं ख्वाब बुन सकें. गो हमसे भागती रही ये तेज गाम उम्र, ख्वाबों के आसरे पे कटी है तमाम उम्र. जुल्फों के ख्वाब, होंठों के ख्वाब और बदन के ख्वाब, मेराज फन के ख्वाब, कमाले सुखन के ख्वाब, तहजीब जिंदगी के फरोगे वतन के ख्वाब, जिंदा के ख्वाब, कूचो दारो रसन के ख्वाब. ये ख्वाब ही तो अपनी जवानी के पास थे, ये ख्वाब ही तो अपने अमल के असास थे, ये ख्वाब मर गए हैं तो बेरंग है हयात, यूं है कि जैसे दस्ते तहे संग है हयात. आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, वरना ये रात आज के संगीन दौर की डस लेगी जानो दिल को कुछ ऐसे के जानो दिल, ता उम्र फिर ना कोई हसीं ख्वाब बुन सकें. मेरे नाम से तो आप वाकिफ ही हैं, वो नाम नहीं अब्दुल हाई जो मेरे अब्बा ने मुझे दिया था, वो नाम जो मेरी बर्थ सर्टिफिकेट पर होता, जिससे शायद मैं अपनी शहरियत साबित कर सकता. लेकिन मेरे पास सबूत में है सिर्फ मेरी अधूरी कहानी, मेरा हुब्बे वतन, मेरी सांसों में इस मिट्टी की महक, मेरे अजदाद के टूटे हुए बोसीदा खबरें, मेरे सीने में बल खाते हुए ख्वाब, मेरा जज्बा दिल, मेरा शौख़ खाना ख़राब. इन सब की गवाही वो गलियां देंगी जो मेरे बचपन की दोस्त थीं, जिनमें मेरा शबाब रुसवा हुआ, जहां मेरी यादों की मरमरी एहसास आज भी बसे हैं. दुनिया मुझे मेरे तखल्लुस से जानती है, साहिर. साहिर यानि जादूगर. जादू उसे कहते हैं जिसे देखकर इंसान हैरत में पड़ जाए, और हर जादू के पीछे एक राज होता है. मेरा जादू क्या है और इस जादू का राज क्या है, आज मैं आप सबको अपना राजदान बनाना चाहता हूँ. 8 मार्च 1921 को गुज्जर कौम के ज़मींदार फजल मोहम्मद के घर लुधियाना की रियासत में मेरी पैदाइश हुई. लुधियाना पुश्त दर पुश्त मेरे अजदाद का वतन, मेरी तालीम का मकाम, मेरी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा. यहीं हमने धर्म के विश्वास जांचे थे, यहीं पर दीन के औहाम को परखा था, यहीं रस्म रिवाज और रिवायत के मुनकिर बने, यहीं पर नगमा निगारी का ज़ौख़ निखरा. मेरी अम्मी सरदार बेगम अब्बा की 10वीं बीवी थी, और जब अब्बा की नज़र एक बार फिर दौड़ने लगी तो अम्मी ने उन्हें छोड़ने का फ़ैसला किया, और मैं भी उनके साथ अपने मामू के घर चला गया. मामू जान की दो बेटियाँ थीं,
जो मेरे लिए किसी सगी बहनों से कम नहीं थी। सरवर की जब शादी हो गई तो वो इलाहाबाद चली गई, लेकिन अनवर हमेशा मेरे साथ ही रही। अब्बा ने मुझे वापस लेने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि अदालत में हमारी पेशी हुई और जज ने मुझसे पूछा कि मैं किसके साथ रहना चाहता हूँ। एक तरफ मेरा रईस बाप खड़ा था और दूसरी तरफ मेरी मुफलिस माँ। इससे आसान फैसला मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया और मैंने कसम खा ली कि अब ना इन ऊंचे मकानों में कदम रखूँगा। अम्मी ने मेरी परवरिश में बड़ी बड़े दुख झेले, लेकिन मुझे कभी किसी कमी का एहसास होने नहीं दिया। जब भी कोई मुश्किल आ पड़ती वो मेरे आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाती। 1978 में मेरे अजीज़ दोस्त यश चोपड़ा की फ़िल्म त्रिशूल के जब मैं नगमे लिख रहा था तो कहानी के एक मंज़र ने मुझे अम्मी की याद दिला दी और मैंने गीत में ये अल्फाज शामिल कर लिए। तू मेरे साथ रहेगा मुन्ने, ताकि तू जान सके तुझको परवान चढ़ाने के लिए कितने संगीन मराहल से तेरी माँ गुजरी। तू मेरे साथ रहेगा मुन्ने, ताकि तू देख सके कितने पाँव मेरी ममता के कलेजे पे पढ़े, कितने खंजर मेरे आँखों मेरे कानों में गड़े। तू मेरे साथ रहेगा मुन्ने, मैं तुझे रहम के साए में न पलने दूंगी, जिंदगानी की कड़ी धूप में जलने दूंगी, ताकि तप तप के तू फौलाद बने, माँ की औलाद बने। मुझे इसका कभी भी वहम नहीं था कि मैं खुबूल सूरत हूँ। एक बड़ी चोंच जैसी नाक, चेहरे पे चेचक के भरपूर दाग। मेरी तबीयत शर्मीली थी और मैं बड़ा नफासत पसंद था। हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े पहनता था और बाल संवार के रखता। मुझमें थोड़ी सी शहजादगी भी थी, जो पैसों की सख्त कमी के बावजूद अम्मी के बेहिसाब प्यार ने बख्शी। सिर्फ ये ही नहीं, अम्मी से मुझे ये इल्म मिला, ये जिस्म मिला, ये जान मिली, नेकी का चलन, ईमान की लगन, सच्चाई की पहचान मिली। मैं कम सिन ज़रूर था, लेकिन कम फहम नहीं था। बचपन से ही दुनिया को बड़े गौर से देखता और उसकी नाइंसाफ़ी, बेदर्दी और जुल्म का मुझे एहसास था। मेरी अपनी ज़िंदगी इस बात की गवाही थी कि ये दुनिया दो रंगी है, एक तरफ से रेशम ओढ़े, एक तरफ से नंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। मैं ये भी समझ चुका था कि ज़िंदगी का रंग महज एक इत्तेफाक है, एक हादसा। इस बात को मैंने एक फिल्म के गीत में यूं समेटा, दो बूंदें सावन की एक सीपी की गोद में टपके और मोती बन जाए, दूजी गंदे जल में गिर कर अपना आप गंवाए, किसको मुजरिम समझे कोई, किसको दोष लगाए, दो बूंदें सावन की, दो कलियां गुलशन की, एक सहरे के बीच गुंधे और मन ही मन इतराए, एक अर्थी की भेंट चढ़े और धूली में मिल जाए, किसको मुजरिम समझे कोई, किसको दोष लगाए, दो कलियां गुलशन की, दो सखियां बचपन की, एक सिंहासन पर जा बैठे रूपमती कहलाए, दूजी अपने रूप के कारण गलियों में बिक जाए, किसको मुजरिम समझे कोई, किसको दोष लगाए, दो सखियां बचपन की। स्कूल की तालीम मुकम्मल हुई और गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में मैं भर्ती हो गया। अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, यूनियन जैक दरसगाह पे था और सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में भड़क रही थी। मैंने शेर लिखने शुरू किए, अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ नज़में सुनाई और चोरी छुपे राइफ़ल चलाने की ट्रेनिंग भी ली। इम्पीरियलिज़म और ग़ुलामी से हमें छुटकारा चाहिए था, चाहे वो ज़ोरे बाजू ही क्यों ना हो। हमारा ख़्याल था कि हम अमन चाहते हैं, मगर जुल्म के ख़िलाफ़ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। ज़ालिम को जो न रोके वो शामिल है जुल्म में, खातिल को जो न टोके वो खातिल के साथ है, हम सर बकफ़ उठे हैं कि हक फतयाब हो, कह दो उसे जो लश्कर बातिल के साथ है, तो इस ढंग पर है ज़ोर तो ये ढंग ही सही, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही।
کالج میں ایک جلسہ منعقد کیا جا رہا تھا جس میں مجھے بھی شعر سنانے کی دعوت دی گئی. برٹش کمشنر جلسے کے چیف گیسٹ تھے. کچھ ہی دن پہلے میں اور میرے ساتھی سرابا نام کے ایک گاؤں گئے تھے جو لدھیانہ سے 20 کلومیٹر کی دوری پر تھا, اور جہاں کا ایک 19 سالہ نوجوان کرتار سنگھ انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گیا. کہتے ہیں کہ بھگت سنگھ ہمیشہ کرتار سنگھ کی ایک فوٹو اپنے پاس رکھا کرتے تھے. میں سرابا سے بڑا متاثر ہو کے لوٹا, اور جب کالج کے جلسے میں کچھ سنانے کی میری باری آئی تو میں نے برٹش کمشنر کے سامنے کرتار سنگھ کی ایک نظم سنا دی. جو کوئی پوچھے کہ کون ہو تم تو کہہ دو باغی ہے نام میرا, ظلم مٹانا ہمارا پیشہ, غدر کا کرنا ہے کام اپنا, نماز سندھیا یہی ہماری, پاٹھ پوجا بھی سچ یہی ہے, دھرم کرم سچ یہی ہے یارو, یہی خدا بھی اور رام اپنا. جو کوئی پوچھے کہ کون ہو تم تو کہہ دو باغی ہے نام اپنا. ہونا کیا تھا, کسی بہانے مجھے کالج سے نکال دیا گیا. امی کو خوف سا بیٹھ گیا, لدھیانہ اب انہیں آنکھیں دکھانے لگا تھا. انہوں نے سوچا کہ اگر ہم لاہور چلے جائیں تو شاید میری تعلیم مکمل ہو سکتی ہے. ان دنوں لاہور اور لدھیانہ کا فاصلہ اتنا تھا جتنا کہ دل سے جگر کا ہوتا ہے. آج تو یہ دو شہر ایک دنیا کے ہی نہیں رہے. لاہور میں دیال سنگھ کالج میں میری بھرتی ہوئی, لیکن وہاں بھی میں نے ٹک نہ سکا. کیسے ٹکتا جہاں میں فاشزم اور امپیریلزم کی لہر دوڑ رہی تھی, اور ہمیں یہ خوب معلوم تھا کہ ظالم کی شکست مقابلے کے بغیر نہیں ہو سکتی. ہم جانتے تھے کہ تاج اتارا نہیں توڑا جاتا ہے. تعمیر کے روشن چہرے پر تخریب کا بادل پھیل چکا تھا. ہر گاؤں میں وحشت تھی, ہر شہر میں جنگل. فوجوں کے بھیانک بینڈ تلے چرخوں کی صدائیں ڈوب رہی تھیں. پھولوں کی خباؤں پر جیپوں کی سلگتی دھوپ پر دھول برس رہی تھی. چوپال کی رونق گھٹ چکی تھی کیونکہ وہاں فوج میں بھرتی کے دفتر کھل رہے تھے. آموں کی لچکتی شاخوں پر اب جھولوں کی قطاریں باقی نہ تھیں. جیسے جیسے اناج کے بھاؤ بڑھتے تھے ویسے ویسے انسان کی قیمت گھٹتی جاتی تھی. افلاس زدہ دہخانوں کے حل بیل بکے, کھلیان بکے, جینے کی تمنا کے ہاتھوں جینے ہی کے سب سامان بکے. کالج کو بھول کر میں اور میرے ساتھی ملک کی آزادی کی جنگ میں جٹ گئے. کئی برس بعد جب میں ہندوستانی سنیما کا مشہور و معروف نغمہ نگار بن چکا تھا تو جن کالجوں نے مجھے نکال دیا تھا انہیں کو اب ناز ہونے لگا کہ میں وہاں کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں. لدھیانہ کے گورنمنٹ کالج نے اپنے ہال کا نام ساحر آڈیٹوریم رکھ دیا, اور اس کے انوگریشن کے لیے مجھے دعوت دی تھی جو میں نے بڑی خوشی سے قبول کر لی. اس موقع پر میں نے ایک نظم سنائی. اے سر زمین پاک کے یاران نیک نام, باسد خلوص شاعر آوارہ کا سلام. گائے ہیں ان فضا میں وفاؤں کے گیت بھی, گائے ہیں ان فضا میں وفاؤں کے راگ بھی. نغمات آتشی سے بکھیری ہے آگ بھی. سرکش بنے ہیں گیت بغاوت کے گائے ہیں, برسوں نئے نظام کے نقشے بنائے ہیں. نغمہ نشاط روح کا گایا ہے بار بار, گیتوں میں آنسوؤں کو چھپایا ہے بار بار. معصومیوں کے جرم میں بدنام بھی ہوئے, تیرے طفیل مورد الزام بھی ہوئے. اس سرزمیں پہ آج ہم ایک بار ہی سہی, دنیا ہمارے نام سے بیزار ہی سہی. لیکن ہم ان فضاؤں کے پالے ہوئے تو ہیں, گر یا نہیں تو یہاں سے نکالے ہوئے تو ہیں. لاہور میں جب میرا قیام تھا تو میں فن اور ادب کی دنیا میں کم سن ہی تھا, لیکن میری نظمیں مقبول ہوتی جا رہی تھیں. مشاعروں میں لوگ مجھے سننے بڑی تعداد سے آتے تھے, اور اکثر میں محفل لوٹ لیتا. ایک بار ایک بڑا مشاعرہ رکھا گیا جس میں اس دور کے سبھی مشہور شعرا حصہ لے رہے تھے. جب میری باری آئی تو میں نے ایک نظم پیش کی جس کا عنوان تھا تاج محل. تاج تیرے لیے ایک مظہر الفت ہی سہی, تجھ کو اس وادی رنگین سے عقیدت ہی سہی. میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے,
بزم شاہی میں غریبوں کا گزر کیا مانی سپت جس راہ پہ ہوں ستوت شاہی کے نشاں اس پہ الفت بھری روحوں کا سفر کیا مانی ان گنت لوگوں نے دنیا میں محبت کی ہے کون کہتا ہے کہ صادق نہ تھے جذبے ان کے لیکن ان کے لیے تشہیر کا سامان نہیں کیونکہ وہ لوگ بھی اپنی ہی طرح مفلس تھے میری محبوب انہیں بھی تو محبت ہوگی جن کی سنائی نے بخشی ہے اسے شکل جمیل ان کے پیاروں کے مخابر رہے بے نام و نمود آج تک ان پہ جلائی نہ کسی نے خندیل یہ چمنزار یہ دریا کا کنارہ یہ محل یہ منخش در و دیوار یہ محراب یہ تاخ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے نہ جانے اس نظم میں کیا بات تھی لیکن محفل میرے رنگ میں رنگ گئی اور ادبی دنیا میں میری شہرت پھیل گئی 1944 میں جب میں کچھ 22 سال کا تھا میری شاعری کا پہلا مجموعہ تلخیاں شائع ہوا دیکھتے دیکھتے یہ کتاب مقبولیت کے ایک نئی اونچائی پر پہنچ گئی چھپتی تھی اور بک جاتی تھی پھر ایک نیا ایڈیشن نکالا جاتا تھا ہر نیا پبلشر اپنے دھندے کا آغاز میری کتاب سے کرنے لگا آپ اس غلط فہمی میں مت رہیے گا کہ اس سے مجھے کچھ آمدنی نصیب ہوئی مجھے جب ایک دفعہ امرناتھ ورما صاحب نے 52 روپے کی رائلٹی پیش کی تو مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ میں زندگی بھر اس بات کا ذکر کرتا رہا مجھے ادب لطیف کے ایڈیٹر کی نوکری مل گئی اور میں اسے نکالنے میں بڑی محنت کرنے لگا جس کے عوض دن میں 5-7 روپے کی کمائی ہو جاتی ہر رات کافی ہاؤس میں محفلیں جمتی دنیا بھر کے موضوعات پر بحث ہوتی یہاں انقلاب کے نقشے بنتے ادبی محاذ کے مارے کے سر ہوتے اور چائے کی پیالیوں میں طوفان اٹھتے جو کمائی ہوتی وہ اسی دن خرچ ہو جاتی مجھے وہ شام اچھی طرح یاد ہے جب شمع لاہوری گھر ملنے آئے تھے ان کی 2-4 نظمیں میری رسالے میں چھپ چکی تھیں لیکن اس کا معاوضہ انہیں میں دے نہیں پایا تھا جب وہ میرے گھر پہنچے تو انہیں کے حال پر مجھے ترس آ گیا شدید سردی کے دن تھے اور وہ ایک پتلا اور بوسیدہ سویٹر پہنے تھے سردی سے کانپ رہے تھے جب کوئی ضرورت مند ہوتا ہے اور اس کی خودداری اسے اس کا اظہار کرنے سے روکتی ہے تو ایک حساس انسان کو اس کا فوراً اندازہ ہو جاتا ہے میں سمجھ گیا کہ وہ کیوں آئے ہیں لیکن میری بھی مجبوری کچھ ایسی تھی کہ میرے پاس خود اپنے خرچے کے پیسے نہیں تھے میں نے انہیں ایک پیالی چائے پلائی اور جو میرے پاس آخری سگریٹ بچا تھا وہ ان کے ساتھ دھواں کر دیا پھر میں نے اپنا بکسا کھولا اور اس میں سے وہ کوٹ نکالا جو مجھے کسی چاہنے والے نے حال ہی میں تحفے میں دیا تھا کوٹ میں نے شمع صاحب کی کاندھوں پر ڈھانپ دیا وہ میری بات سمجھ گئے اور اجازت لے کر وہاں سے چلے گئے میری عزت پر آنچ نہیں آنے دی لیکن میرا دل بہت دیر تک دکھتا رہا غربت بڑی کتی چیز ہوتی ہے میں نے فیصلہ کیا کہ میں غریب نہیں رہنا چاہتا مجھے دولت سے کوئی لگاؤ نہ کبھی تھا نہ کبھی رہا لیکن میری تمنا تھی کہ اتنا تو کما لوں کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے اتنا تو کما لوں کہ امی اور میری بہنوں کی میں دیکھ بھال کر سکوں آخر ببن میاں کی ہوٹل کی چائے پی کر شاعر کب تک جی سکتا ہے لکھ پڑھ کے جینا چاہتا تھا لیکن اردو بازار میں خاک اڑ رہی تھی جب ایجنٹوں کو 33% کمیشن اور لکھنے والوں کو چند روپیے میسر ہوتے ہیں تو فنکار یہ سوچنے لگتا ہے کہ کتاب لکھی جائے یا بیچی جائے دن گزرتے گئے اور آخر کار جہاں میں فاشزم کی شکست ہوئی جنگ کے بادل چھٹنے لگے اور ہندوستان آزاد ہوا میں نے بمبئی جانے کا فیصلہ کر لیا سارے ملک میں بس ایک ہی تو شہر تھا جہاں فنکار اپنی روزی روٹی کما سکتا ہے اور وہاں میرے کچھ پنجابی دوست بھی بسے تھے آغاز شباب اور پنجاب یہ دو رشتے ایسے ہیں جو دلوں کے ملن کی خفیہ سرنگ ہمیشہ بچھائے رکھتے ہیں بمبئی میں میں اور امی کرشن چندر کے گھر اترے ارادہ تو یہ تھا کہ کچھ دن رہیں گے کام ڈھونڈ لیں گے اور اپنا ٹھکانہ بنا لیں گے لیکن اس بے مہر شہر کی گلیاں اتنی ناپنی پڑے گی اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا کبھی یہاں دستک کبھی وہاں پیشی میری شاعری کی کتاب بڑی مشہور ہو گئی تھی اس لیے پروڈیوسرز مجھ سے عزت سے تو ملتے لیکن جیسے ہی میں کام کی بات چھیڑتا تو کہتے ساحر صاحب فلموں کے گیت لکھنا آپ کو زیبا نہیں دیتا ویسے بھی یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے فلمی گیتوں اور ادبی شاعری میں بڑا فاصلہ ہے
बेहतर है कि आप इससे अपना दामन बचा कर रखें। कृष्ण चंद्र की बदौलत सर छुपाने की जगह तो मिल गई, बाकी जो पैसों की ज़रूरत थी वो किसी तरह मैं पूरी कर लेता। और जब हालात बहुत बुरे होते तो अम्मी के बचे कुचे गहने बेचकर हम गुजारा कर लेते। इसी तरह देखते देखते तकरीबन 2 साल बीत गए, लेकिन हिम्मत न टूटी। एक दिन जब मैं माटुंगा में सिनी साइड बिल्डिंग किसी काम से पहुंचा, तो वहां डायरेक्टर मोहन सैगल बैठे थे, अपने दोस्तों के साथ कैरम खेल रहे थे। मुझे देखते ही कहने लगे, साहिर कल ही मेरी गुरुदत्त से मुलाकात हुई, वो एक फिल्म बना रहे हैं जिसकी म्यूजिकी के लिए SD बर्मन को चुना है। मैं गुरुदत्त से बात कर लूँगा, तुम कल सुबह ग्रीन होटल चले जाओ और SD बर्मन से मिल लो, अगर उन्हें तुम्हारे गीत पसंद आ गए तो कुछ बात बन सकती है। रात भर मैं बेचैन रहा, सुबह होटल होते ही ग्रीन होटल पहुँच गया और सीधे बर्मन साहब के कमरे चला गया। बाहर तख्ती लिखी थी, प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब, लेकिन दरवाज़ा पूरी तरह बंद भी नहीं था। 2 साल से जिसके पीछे दौड़ रहा था वो ख़जाना इस तख्ती के पीछे था, वो मुझे क्या रोकती। मैंने हिम्मत की, हल्के से दरवाजे को खटखटाया और अंदर दाखिल हो गया। बरमंदा अपने हारमोनियम पर बैठे थे और कुछ सोच में गुम थे। मुझे देखकर वो ज़रा भी न चौंके। मैंने झटपट अपना तारुफ कराया और आने की वजह भी बता दी। बरमंदा ने वक्त बिल्कुल ज़ाया न किया और कहने लगे, अच्छा तो ये सुनो। ये कहकर उन्होंने अपने हारमोनियम पर एक धुन बजाई। फिर वो खामोश हो गए और मुझे देखने लगे। मैं उनका इशारा समझ गया, कागज़ और कलम उठाया और वहीं गीत लिखना शुरू कर दिया। जब कुछ अल्फाज मुझे मिल चुके, मैंने उनसे कहा, बरमंदा धुन एक बार और सुना दीजिए। जैसे ही वो धुन बजाने लगे, मैं उनके साथ गाने लगा, आहा हा हा, आहा हा हा हा, ला 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 ला, कैसे बुलाएं ठंडी हवाएं, लहरा के आए रुत है जवां, तुम हो कैसे बुलाएं ठंडी हवाएं। आगे भी आता है, गई है, चांद और तारे हंसते नजारे। मिल के सभी दिल में सखी जादू जगाएं ठंडी हवाएं। बरमंदा के चेहरे से मुझे यकीन हो गया कि जिस ज़मीन को मैंने अपने जवान लहू और पसीने से 2 साल सींचा था, उसमें अब फसल फूटने वाली है। मैंने बरमंदा से इजाज़त ली और अम्मी को खुशखबरी देने निकल पड़ा। ऐसे लग रहा था जैसे आसमान की खिड़कियों से किरणें झांक रही हूँ। फिज़ा तन गई है, रास्ते मुस्कुरा रहे हैं, नर्म कोहरे की चादर सिमट रही है, जवान शाखसार घूंघट उठा रहे हैं, परिंदों की आवाज़ से खेत चौंक उठे हैं, हसीन शबनम आलूद पगडंडियों से सब्ज पेड़ों के साए लिपटने लगे हैं। दूर एक टीले पे एक आंचल सा झलकने लगा और तसव्वुर में लाखों दिए झिलमिला उठे। फिल्म बनी, नगमे मकबूल हुए और बरमंदा की और मेरी जोड़ी कामयाब साबित हुई। हमने एक के बाद एक फिल्मों में काम किया और मेरे लिखे नगमे हिंदुस्तान की फिजाओं में गूंजने लगे। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले दा। तुम न जाने इस जहां में खो दे भी चुके हम दिल नजराना, दिल का छोड़ो भी ये हाल, जाए तो जाए कहाँ। दर दिल की जुबान, चुप है धरती चुप है चांद सितारे, मेरे दिल की धड़कन तुझको जीवन के सफर में राही, मिलते हैं बिखर जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में।
ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, पेड़ों की शाखों पे खोई सोई चांदनी, पेड़ों की शाखों पे सोई सोई चांदनी, तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी, और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी, रात ये करार की फिर कभी ना आएगी, दो एक पल और है ये समां। जिस तरह वादे सवा की धीमी धीमी आहट से कलियां चटकती और गुंचे फूल बनते हैं, उसी तरह मेरे गीतों ने आवाम के दिलों पर दस्तक दे दी और उन्होंने मेरे लिए अपने गम कदों के किवाड़ खोल दिए। बम्बई की फ़िल्म इंडस्ट्री में अब मेरा सिक्का जम चुका था। इरादा तो ये था कि फ़िल्मी दुनिया के ख़जाने से नाम काम और दाम लूट कर राह फरार अख्तियार करें और फिर उस माल गनीमत से उमदा सा अदबी रिसाला और पब्लिशिंग हाउस जमाएं। कहना ये चाहता हूँ कि मुझे रुपयों का नहीं, कुछ कर दिखाने का अरमान था। वैसे रुपयों से ना मुझे कोई एतराज़ था, न ही मेरे दोस्तों को। हर रोज़ बम्बई में मेरे बगले पर लोग जमा होते, देखते देखते घर भर जाता, कीमती शराब की बोतलें खुलती और दोस्तों की सोहबत विस्की का मज़ा दूजा कर देती। बावर्ची खाने से तरह तरह के लजीज खाने बरामद होते और सब उसका लुत्फ़ उठाते। बाजे तो बाल बच्चों समेत मेरे यहाँ हफ्तों या महीने रह पड़े। नहीं मुझे कभी कोई एतराज़ था और न ही अम्मी को। आखिर हमने भी तो वो दिन देखे थे जब हमें किसी की मेहरबानी के सहारे ही जीना पड़ा। शुरू में मुझे गुमान भी नहीं था कि जब ज़मीन से फसल आने लगे तो उसे और भी सींचना पड़ता है, यहाँ तक कि ज़मीन दलदल की तरह पाँव पकड़ने लगती है। और देखते देखते बम्बई मेरी और मैं बम्बई का हो चुका। फिल्मों के गीत और शायरी में बड़ा फ़र्क होता है। गीत मंज़र पर लिखे जाते हैं, सिचुएशन और धुन के दायरे में क़ैद रहते हैं, प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स और मूज़िकारों का इनमें बहुत दखल होता है। मैं अपने गीतों को बाज़ार में ज़रूर ले आया, लेकिन मैंने ये भी ठान ली थी कि उन्हें कभी बाजारी होने नहीं दूंगा। मैं चाहता था कि मेरे गीत किसी नज़्म या गज़ल से कम ना हों। मिसाल के तौर पे रेलवे प्लेटफॉर्म का ये गीत, चांद मध्यम है आसमां छुप है, नींद की गोद में जहां छुप है, दूर वादी में दूधिया बादल झुक के पर्वत को प्यार करते हैं, दिल में नाकाम हसरतें लेकर हम तेरा इंतज़ार करते हैं, चांद मध्यम है आसमां छुप है, रोज़ की तरह आज भी तारे सुबह की गर्द में न खो जाएं, आ तेरे गम में जागती आँखें कम से कम एक रात सो जाएं, चांद मध्यम है आसमां चुप है। जैसे जैसे मेरा नाम बनता गया वैसे वैसे मैंने अपने अल्फाज पर अपना हक जमाने लगा। मेरा इरादा था कि अपनी शायरी और अपने नगमों में मैं उन लोगों की नुमाइंदगी करूँ जिन्हें हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी में सिर्फ मजबूरी और मुफलिसी की सौगात मिली। उन गरीबों का तर्जुमान बनना चाहता था जिन्हें आज़ादी से गम ज़िंदगी के अलावा कोई तोहफा नसीब न हुआ। आज से ऐ मज़दूर किसानों, मेरे गीत तुम्हारे हैं, फाखा कश इंसानों, मेरे जोग बहाग तुम्हारे हैं, जब तक तुम भूखे नंगे हो ये शोले खामोश न होंगे, जब तक बे आराम हो तुम ये नगमे राहत कोश न होंगे, मुझको इसका रंज नहीं है लोग मुझे फ़नकार न माने, फ़िक्र सुखन के ताजर मेरे शेरों को अशआर न माने, मेरा फ़न मेरी उम्मीदें आज से तुमको अर्पण है, आज से मेरे गीत तुम्हारे सुख और दुख का दर्पण है। तकसीम का सदमा मज़हब और ज़ात के नाम पर इंसानों के दरमियान नफ़रत, जंग का समा और वक्त की अफरा तफरी का ने आम लोगों की ज़िंदगी दरहम बरहम कर दी थी।
ایسے ماحول میں بے نواؤں کے حق میں آواز بلند کرنا ایک شاعر کا فرض ہوتا ہے۔ میری خوش قسمتی سے اس سفر میں مجھے ایسے ساتھی ملے جن کا نظریہ بھی یہی تھا۔ موہن سہگل، راج کپور، وسنت چوگلیکر، سنیل دت، بی آر چوپڑا، یش چوپڑا اور گرودت جیسے قابل فلم سازوں نے دیش کو ثابت اور مضبوط بنانے کی کوشش میں ایسی فلمیں بنائی جن میں انہوں نے اونچ نیچ، فرقہ پرستی اور مذہب کے نام پر انسانوں کے بٹوارے کے خلاف آواز اٹھائی اور اس لڑائی میں مجھے شامل ہونے کا موقع دیا۔ فلم آج اور کل میں میں نے لکھا، تخت نہ ہوگا، تاج نہ ہوگا، کل تھا لیکن آج نہ ہوگا، جس میں سب ادھیکار نہ پائیں وہ سچا سوراج نہ ہوگا، لاکھوں کی محنت پر قبضہ مٹھی بھر دھنوانوں کا، دین دھرم کے نام پہ خونی بٹوارا انسانوں کا، جس کا یہ اتہاس رہا ہے اب وہ اندھا راج نہ ہوگا، جس میں سب ادھیکار نہ پائیں وہ سچا سوراج نہ ہوگا۔ نیا دور کا یہ نغمہ تھا، ساتھی ہاتھ بڑھانا، ایک اکیلا تھک جائے گا مل کر بوجھ اٹھانا، ماٹی سے ہم لال نکالیں موتی لائیں جل سے، جو کچھ اس دنیا میں بنا ہے بنا ہمارے بل سے، کب تک محنت کے پیروں میں دولت کی زنجیریں، ہاتھ بڑھا کر چھین لو اپنے خوابوں کی تعبیریں، ساتھی ہاتھ بڑھانا۔ جب مناسب سمجھا تو حکومت اور سرکار کے خلاف بھی آواز اٹھائی۔ جب احتجاج کرنے والوں کا خون سڑکوں پہ بہنے لگا تو میں نے ایک گیت لکھا، اے رہبر ملک و قوم ذرا، آنکھیں تو اٹھا، نظریں تو ملا، کچھ ہم بھی سنیں، ہم کو بھی بتا، یہ کس کا لہو ہے، کون مرا، کیا قوم وطن کی جے گا کر مرتے ہوئے راہی غنڈے تھے، کیا دیش کا جو دیش کا پرچم لے کے اٹھے وہ شوخ سپاہی غنڈے تھے، جو بار غلامی سہ نہ سکے وہ مجرم شاہی غنڈے تھے، یہ کس کا لہو ہے، کون مرا۔ فرقہ پرستی اور مذہبی تکرار کے خلاف بھی میں نے ہمیشہ آواز اٹھائی۔ فلم دھول کا پھول میں جب عبدالچاچا کو ایک بچہ راستے میں پڑا ملتا ہے تو ہندو اور مسلمانوں کی پنچ یہ فیصلہ سناتی ہے کہ وہ اس بچے کو پال نہیں سکتا۔ عبدال بچے کو لے کر محلہ چھوڑ دیتا ہے اور اس کی پرورش کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا، اچھا ہے ابھی تک تیرا کچھ نام نہیں ہے، تجھ کو کسی مذہب سے کوئی کام نہیں ہے، جس علم نے انسانوں کو تقسیم کیا ہے اس علم کا تجھ پر کوئی الزام نہیں ہے، تو بدلے ہوئے وقت کی پہچان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا۔ یہ دین کے تاجر، یہ وطن بیچنے والے، انسانوں کی لاشوں کے کفن بیچنے والے، یہ محلوں میں بیٹھے ہوئے قاتل، یہ لٹیرے، کانٹوں کے عوض روح چمن بیچنے والے، تو ان کے لیے موت کا اعلان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا۔ نفرت جو سکھائے وہ دھرم تیرا نہیں ہے، انسان کو جو روندے وہ قدم تیرا نہیں ہے، قرآن نہ ہو جس میں وہ مندر نہیں تیرا، گیتا نہ ہو جس میں وہ حرم تیرا نہیں ہے، تو امن کا اور صلح کا فرمان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا۔ فلم ہم دونوں میں مجھے قومی یکجہتی کا یہ گیت لکھنے کا موقع ملا۔ مجھے یہ گانا اچھا نہیں آتا، ٹھیک نہیں آتا، آپ ساتھ دیں۔ اللہ تیرو نام، ایشور تیرو نام، اللہ تیرو نام، سب کو سنمتی دے بھگوان، سب کو سنمتی، اللہ تیرو نام، او سارے جگ کے رکھوان، او سارے نربل کو بلوان،
जानों को दे दे ज्ञान सब को अल्लाह तेरो नाम ईश्वर मेरे गीतों का जादू अब सर चढ़ के बोल रहा था। प्रोड्यूसर्स को ये गुमान हो गया कि मेरे गीत उनकी फिल्मों को कामयाब कर सकते हैं। एक दिन मुझसे मिलने एक प्रोड्यूसर सेठ आए और कहने लगे, साहिर साहब, सुना है कि आपके गीत फिल्मों के लिए गुड लक होते हैं, हमारी फिल्म के लिए आपके गीत मांगता। मैंने बड़ी संजीदगी से सिगरेट का एक कश लिया और फिल्मी डायलॉग के अंदाज में जवाब दिया, रहने दे सेठ, आप मेरे गीतों की कीमत नहीं दे सकते। कितना लेगा, उसने पूछा। उन दिनों मुझे एक गीत के 1 या 2 हज़ार रुपये मिलते थे। पूछ के क्या करेगा सेठ, मैं गीत बेचता नहीं हूँ। कितना लेगा, उसने दोबारा पूछा। 2 हज़ार। मैंने जवाब में एक लंबा कश लिया और धुएं के छल्ले छोड़ने शुरू किए। सेठ भी कुछ देर चुप रहा, फिर होंठों पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने कहा, 10 हज़ार लेगा। मैं चौंक सा गया लेकिन अपने आप को संभालते हुए कहा, हाँ 10 हज़ार लेगा, देगा। सेठ ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, डन। उस वक्त मुझे ये बात समझ में आ गई कि एक कारोबारी मंडी है जहाँ इंसान का हुनर बिकता है और जिसका जितना नाम उसके उतने दाम। मैं न सिर्फ सेठ की फिल्म पर काम करने राज़ी हो गया बल्कि इंडस्ट्री में यह बात मशहूर कर दी कि अब मैं एक गाने के 10 हज़ार से कम न लूँगा। गुरुदत्त की फिल्मों में मैं काम कर चुका था और अपनी किताब तलखियाँ की एक कॉपी उन्हें तोहफे में भी दी थी। उसकी चंद नज़में उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसी के बिना पर एक स्क्रीन पे लिख डाला और फिल्म प्यासा बनाने में जुट गए। उस फिल्म के एक गीत की कहानी मैं सुनाता चलूं। मेरी किताब में एक नज़म थी चकले, जिसके अल्फाज यूं थे, सनाखान तकदीर से मशरक कहाँ हैं। उन्हीं दिनों देश के वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक तकरीर में बार बार ये जुमला दोहराया था कि मुझे हिंद पर नाज है। गुरुदत्त के कहने पर मैंने उस जुमले को अपने गीत में शामिल कर लिया। ये कूचे, ये नीलाम घर दिल कशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ हैं मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं। ज़रा मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ये कूचे, ये गलियाँ, ये मंज़र दिखाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर उनको लाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं। जब फिल्म तकरीबन बन चुकी थी तो सबके लिए गुरुदत्त ने एक स्क्रीनिंग की। मुझे ऐसा लगा कि इसमें एक दो गीतों की और गुंजाइश है और मैंने अपना मशवरा गुरुदत्त को पेश कर दिया। पहले तो वो हिचकिचाए और फिर कहने लगे कि तुम गीत लिखकर तो ले आओ, फिर मैं सोचता हूँ। मैंने 2 गीत लिखे और गुरुदत्त को दोनों इतने पसंद आए कि उन्होंने फ़ौरन उन्हें कबूल कर लिया। एक गीत तो मेरी आपबीती से जुड़ा था। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। दूसरा गीत गुरुदत्त और माला सिन्हा पे फिल्म आया गया। एक रोमांटिक गीत था जिसे मैंने मुकालमे के तौर पे लिखा। डायलॉग चलिए करते हैं। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो, इन जुल्फों में गूंदेंगे हम फूल मोहब्बत के, हम
आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो हम आपको ख्वाबों में ला ला के सताएंगे आपकी आंखों से चुराए तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो हम आपके खदमों पर गिर जाएं ये गश खा कर आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो फिल्मों में अब काम की मुझे कोई कमी नहीं थी. प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स घर के चक्कर लगाया करते थे, लेकिन प्यासा के बाद मेरी और बरमंदा की जोड़ी टूट गई. उन्हें ये लगने लगा कि फिल्म के नगमों की कामयाबी का जिम्मेदार मुझे ज़्यादा और उन्हें कम ठहराया जा रहा है, और उन्होंने मेरे साथ काम करने से इनकार कर दिया. मेरा भी यही ख्याल था कि जहाँ बेहतरीन संगीत के बग़ैर गाने मकबूल नहीं हो सकते, वहीं खूबसूरत अल्फाज के बिना गाने में कोई जान नहीं होती. मैंने अपने गानों की कीमत बदल डाली. अब मैं प्रोड्यूसर से कहने लगा कि मैं अपनी फ़ीस खुद तय नहीं करूँगा, मुझे बस मूज़िक़ार को जो पैसे मिलते हैं उससे एक रुपया ज़्यादा चाहिए. मेरी इस शर्त से कई मूज़िक़ार बिगड़ गए और इसे अपनी तौहीन समझ बैठे. ओपी नैयर जब बीआर चोपड़ा के यहाँ गए और कहने लगे कि मैं साहिर के साथ काम नहीं करूँगा, तो चोपड़ा साहब ने बड़े अदब से जवाब दिया, जैसे आपकी मर्ज़ी. बरमंदा, ओपी नैयर, रोशन वगैरह जैसे कामयाब संगीतारों के साथ अब मेरा रिश्ता टूट गया. लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में मेरी जगह अब ऐसी बन चुकी थी कि मैं अपने म्यूज़िक डायरेक्टर्स को खुद चुन सकूँ. चुनांचे मैंने बरमंदा के असिस्टेंट जयदेव, हेमंत कुमार के असिस्टेंट रवि, गुलाम हैदर के असिस्टेंट एन दत्ता और खयाम जैसे नौजवान और उभरते हुए फ़नकारों के साथ काम करने लगा. प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को ये बात इसलिए भी मंजूर थी क्योंकि मेरे लिखे नगमे लगातार कामयाब हो रहे थे. मेरे फिल्म इंडस्ट्री में कई दोस्त से थे, लेकिन बीआर और यश चोपड़ा से मेरा एक बहुत ही गहरा रिश्ता था. जब यश पहली बार मुंबई आए तो वो अपने भाई के घर उतरे. बीआर चोपड़ा फिल्मों में अपना नाम कमा चुके थे और अपने छोटे भाई से पूछने लगे, क्यों, किसी फिल्म स्टार से मिलोगे? यश ने जवाब दिया, हाँ, साहिर से. हमारी दोस्ती ताहयात बाकी रही. फिल्मों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी और मैं अदबी शायरी कम करता था, लेकिन जब मौका मिलता तो मैं इस कार में पीछे नहीं हटता. 1969 गालिब सदी थी. इस मौके पर दिल्ली में एक बड़ा जलसा रखा गया जिसकी सदारत खुद वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने की. मुझे भी इस मौके पर कुछ सुनाने की दावत दी गई. मैं सोचने लगा कि मैं क्या कहूँ. सब ने राय दी कि गालिब की शान में कुछ लिखूं, लेकिन जब मैं लिखने बैठता तो कुछ बेचैनी महसूस होने लगती. आज़ादी के बाद उर्दू ज़बान हिंदुस्तान की सौतेली बेटी बन चुकी थी और दुश्मन की ज़बान माने जाने लगी थी. उर्दू के साथ जिस सरकार ने यह सलूक किया, उसे उर्दू शायर का जश्न जलसा करने का क्या हक होता है. मैंने तय कर लिया कि मुझे कुछ कहना पड़ेगा. जलसे का दिन आया और शोहरा अपना कलाम सुनाने लगे. जब मेरी बारी आई तो मैं मंच पर पहुंचा और ये नज़्म सुनाई. 21 बरस गुज़रे आज़ादी कामिल को, अब जाके कहीं हमको गालिब का ख़याल आया. तुर्बत है कहाँ उसकी, मस्कन था कहाँ उसका, अब अपने सुखन पर वर जहनों में सवाल आया. 100 साल से जो तुर्बत चादर को तरसती थी, अब उस पे अकीदत के फूलों की नुमाइश है. उर्दू के ताल्लुक से कुछ भेद नहीं खुलता, ये जश्न ये हंगामा खिदमत है कि साजिश है. जिस अहद सियासत ने ये जिंदा ज़बाँ कुचली, उस अहद सियासत को मरहूमों का गम क्यों है. गालिब जिसे कहते हैं उर्दू ही का शायर था, उर्दू पे सितम ढाकर गालिब पे करम क्यों है. जब मेरी नज़्म मुकम्मल हुई तो यूं लगा जैसे महफिल को सांप सूंघ गया हो. कुछ दिन बाद मुझे एक और नज़्म सुनाने का मौका मिला. इत्तेफाक से उसी साल महात्मा गांधी की शताब्दी भी थी.
تو میری نظم یوں تھی کہ گاندھی ہو یا غالب ہو ختم ہوا دونوں کا جشن آؤ انہیں اب کر دیں دفن ختم کرو تہذیب کی بات بند کرو کلچر کا شور ستیہ اہنسا سب بکواس تم بھی خاتل ہم بھی چور ختم ہوا دونوں کا جشن آؤ انہیں اب کر دیں دفن وہ بستی وہ گاؤں ہی کیا جس میں ہریجن ہوں آزاد وہ قصبہ وہ شہر ہی کیا جو نہ بنے احمد آباد ختم ہوا دونوں کا جشن آؤ انہیں اب کر دیں دفن گاندھی ہو یا غالب ہو دونوں کا کیا کام یہاں اب کے برس بھی قتل ہوئی ایک کی شکشا ایک کی زبان ختم ہوا دونوں کا جشن آؤ انہیں اب کر دیں دفن اس دور کا ایک دلچسپ واقعہ سناتا چلوں سنیل دت جو بہت ہی ذہین نیک دل اور ترقی پسند انسان تھے ایک فلم بنا رہے تھے مجھے جینے دو فلم کے ڈائریکٹر مونی بھٹاچارجی تھے جو دو بیگھہ زمین میں بمل روئے کے اسسٹنٹ رہ چکے تھے سنیل دت ایک چمبل کے ڈاکو کا رول ادا کر رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ سینما کے ذریعے لوگوں کو ان حالات کی طرف رجوع کیا جائے جو انسان کو ڈاکو بننے پر مجبور کر دیتے ہیں وہ ڈاکوؤں کو محض ایک گنڈے اور مجرم کی حیثیت سے نہیں دیکھنا چاہتے تھے بلکہ ان کو انسانیت کا درجہ عطا کرنا چاہتے تھے میں ان کا ہم خیال تھا اور ان کی بات کو نظر میں رکھ کر میں نے اس فلم کے گیت لکھے ایک روز میں امی میری بہن انور اور کرشن چندر کسی مشاعرے سے گاڑی میں لوٹ رہے تھے مجھے ایروپلین کے سفر سے خوف تھا اور میں ہر مشاعرے میں گاڑی سے ہی جاتا تھا چاہے وہ 10-20 گھنٹے دور کیوں نہ ہو رات ہو چکی تھی اور ہم ایسے مقام سے گزر رہے تھے جہاں ڈاکوؤں کی کثرت تھی لیکن ہمیں گمان نہیں تھا کہ ہمیں ان سے کچھ لینا دینا پڑے گا اچانک ہماری گاڑی رکی اور میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ نے ہمیں گھیر لیا ہے ان میں سے ایک آدمی مجھ سے مخاطب ہو کر کہا ساحر صاحب آپ پریشان نہ ہوں لیکن ہمارے سردار آپ سے ملنا چاہتے ہیں گاڑی موڑی گئی اور کہیں آبادی سے دور ایک گھر پہنچی بندوقوں اور کارتوسوں کی پیٹھیوں سے صاف ظاہر تھا کہ یہ ڈاکوؤں کا اڈا تھا امی اور انور گھبرائے ہوئے تھے اور لگتا تھا کہ کرشن چندر کا بس اب دم اکھڑنے والا ہے لیکن مجھے یہ سمجھ میں آ چکا تھا کہ ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے ڈاکوؤں نے سردار نے بڑے ادب اور خلوص سے مجھے گلے لگایا اور میرے گیتوں کی داد دینے لگا اپنی آواز میں مجھے جینے دو کا ایک گیت سنایا اور سناتے سناتے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے پھر رات بھر محفل جمی رہی میں نے اپنی کئی نظمیں سنائیں ڈاکوؤں نے میرے کئی گیت گائے اور صبح ہوتے ہی ہمیں بمبئی کا رستے پر چھوڑ دیا اور الوداع کہہ کر واپس لوٹ گیا جب وہ مجھ سے ودا ہو رہا تھا تو ڈاکوؤں کا سردار میرے ایک گیت کی دھن گنگنا رہا تھا جو اس رات ڈاکوؤں کی ٹولی نے گلا پھاڑ کر گائی تھی گیت کے بول تھے جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا رو کے زمانہ چاہے رو کے خدائی تم کو آنا پڑے گا جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا نبھانا پڑے گا ترستی نگاہوں نے آواز دی ہے محبت کی راہوں نے آواز دی ہے آ جانے حیا جانے وفا چھوڑو ترسانا تم کو آنا پڑے گا جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا فلموں میں میں نے اسی طرح کے کئی رومانٹک گیت لکھے تھے لیکن میری اپنی زندگی اس جذبے سے محروم ہی رہی میں نے کبھی شادی نہیں کی کسی کے ساتھ عاشقانہ رشتہ جوڑ نہیں سکا لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سارا پیار اپنی امی اور بہنوں کی نظر کر دیا تھا اب اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ فیصلہ میں اوروں پہ چھوڑتا ہوں کالج کے دنوں عاشقی کی تھی لیکن قسمت کا کھیل دیکھیے کہ مہندر ٹی بی کا شکار ہو گئی اور مرکھٹ کی سرزمین پر اس کا جسم جل کر راکھ ہو گیا تجھ سے بھی انتظار کی زحمت نہ ہو سکی محفوظ دو گھڑی کی امانت نہ ہو سکی
एक बेवतन के दर्द का चारा ना हो सका, मैं देख लूँ उसे ये गवारा ना हो सका, ये दोपहर ये धूप ये वीरान आसमां, तू ही बता के अब मैं पुकारूँ किसे यहाँ, कौसर में वो धुली हुई बाहें भी जल गईं, जो देखती मुझे वो निगाहें भी जल गईं, मासूम खहखहों का तरन्नुम भी मिट गया, झीपी हुई नज़र का तबस्सुम भी मिट गया, उस राख में फलक के सितारों का नूर है, उस राख में ज़मीन की मासूम हूर है। और जैसे सारी दुनिया जानती है, मेरी ज़िंदगी में एक रिश्ता ऐसा था जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। अमृता प्रीतम से मेरी मुलाकात किसी मुशायरे में 1944 में प्रीतनगर नाम के एक छोटे से शहर में हुई। मुशायरे के बाद हम बस लेकर लाहौर जाने वाले थे, लेकिन शाम को ऐसी बारिश हुई कि रास्ते बंद हो गए और हमें वहीं रुकना पड़ा। और उन चंद लम्हों में, जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई, जाने क्या सनसनाहट सी उठी, थरथराहट सी हुई, जाग उठे ख्वाब कई, बात कुछ बन ही गई, जाने क्या मैंने। आखिरी वक्त तक हम दोनों दोस्त थे, लेकिन हमारे जज्बात को कभी ज़बान न मिल सकी। ये कहानी किसी और दिन मैं आपको सुनाऊंगा। अब बस इतना ही कहने दीजिए कि मुझसे अब मेरी मोहब्बत के फसाने न कहो, मुझसे अब मेरी मोहब्बत के फसाने न कहो, मुझको कहने दो कि मैंने उन्हें चाहा ही नहीं। लेकिन सच तो ये भी है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नर्म छाँवों में गुज़रने पाती तो शादाब हो भी सकती थी, ये तीरगी जो मेरी ज़ीस्त का मुकद्दर है तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी, पुकारती मुझे जब तलखियाँ ज़माने की तेरे लबों से हलावत के घूंट पी लेता, हयात चीखती फिरती बरहना सर और मैं घनेरी जुल्फों के साए में छुप के जी लेता, मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं, गुजर रही है कुछ इस तरह ज़िंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं, न कोई राह न मंजिल न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में ज़िंदगी मेरी, इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हम नफस मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। मोहब्बत में नाकाम रहा, लेकिन ज़िंदगी अपनी मेहरबानियां बरसाती रही। 1971 में हिंदुस्तान की सरकार ने मुझे पद्मश्री से नवाजा। 1975 में लुधियाना की एक सड़क को साहिर रोड का नाम दिया गया। खुदा को मानता तो शायद उसका शुक्रिया अदा करता, लेकिन अल्लाह मियाँ के साथ हमेशा मेरे गैर दोस्ताना मरासिम रहे। अगर कभी उनसे बात भी होती तो हमारी बस खिटपिट ही चलती। सज़ा का हाल सुनाएं, जज़ा की बात करें, खुदा मिला हो जिन्हें वो खुदा की बात करें। आप ही के हैदराबाद शहर के अफसाना निगार वाजिदा तबस्सुम और उनके शौहर अशफाक से मेरी गहरी दोस्ती थी। अम्मी मेरी बहन अनवर और वाजिदा को मैं अपनी ख़वातीन कहता था। वाजिदा को अल्लाह और उसके रसूल पर बड़ा भरोसा था और हमारी इस बात पर हमेशा बहस छिड़ जाती थी। मसलन, अगर मैं उसके बीमार बच्चे का हाल पूछने फ़ोन करता था और वो कहती कि अल्लाह के फ़ज़ल से अब ठीक है, तो मैं कहता, अच्छा तो बीमार किसके फ़ज़ल से हुआ था? वाजिदा को लेकिन यकीन था कि मैं पक्का मुसलमान हूँ, हालांकि मैंने कभी ना नमाज पढ़ी ना रोज़ा रखा। दलील में वो एक किस्सा सुनाती थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर मुजस्सम के पास एक शख्स आया और पूछा, या रसूल अल्लाह, आप पर मैं कुर्बान, ये बताइए कि इस्लाम क्या है? आपने फरमाया, मीठी बात करना और भूखों को खाना खिलाना। फिर वाजिदा कहती, साहिब साहब, आप तो इस्लाम पर पूरी तरह अमल पैरा हैं,
آپ یقیناً جنتی ہیں. اللہ آپ کو اپنی نعمتوں سے ضرور نوازے گا. اللہ ہے یا نہیں یہ تو میں نہیں جانتا, لیکن اگر ہے تو وہ مجھ پر 13 جولائی 1976 کو بڑا ظلم کر بیٹھا. کچھ دن سے امی بیمار تھیں اور اس دن ان کی حالت بگڑتی جا رہی تھی. میں ہندوستان کا سب سے مشہور اور مقبول نغمہ نگار اپنی ساری دولت اور شہرت کے باوجود اپنے آپ کو بے بس اور لاچار پایا. میں آرام سے سو سکوں اس لیے امی نے اپنی زندگی کی بے شمار راتیں جاگ جاگ کر کاٹی تھیں. مجھے ہر پریشانی سے محفوظ رکھا. جب تک وہ میرے ساتھ تھیں میری ڈھارس بندھی رہی, لیکن جب انہوں نے خاموشی سے اس دن دم توڑ دیا میں اپنے آپ کو تنہا, لٹا ہوا اور زندگی سے ہارا ہوا پایا. میری دنیا میں ایک خالی پن سا چھا گیا, ایک ان بجھی کیفیت تھی اور میرے اندر سناٹے سائیں سائیں کر رہے تھے. میں ہر دکھ کے پہاڑ میرے ہر دکھ کے پہاڑ کو میرے ساتھ برداشت کرنے والی, مجھے اپنی نگہبانی کی گرفت میں رکھنے والی, میرے سر پر آسمان کی طرح سائبان بنی رہنے والی, میری ہر غم کو تھپک تھپک کر سلا دینے والی امی میرے ہاتھ سے چھوٹ کر ایسے سفر پر نکل گئی جہاں سے کوئی کبھی لوٹ کر نہیں آتا. اس لمحے کے بعد میری زندگی قیامت کے پنجوں میں جکڑ گئی. کثرت غم بھی میرے غم کا مداوع نہ ہوا. جام میں بھی اب وہ صلاحیت نہیں رہی کہ میرے اندر پھوٹنے والے غم کے جھرنے کو روک سکے. ایسا لگتا تھا کہ میں زندگی کو نہیں, زندگی مجھے برداشت کر رہی ہے. اب تو بس رہ گئے تھے بجھتے ہوئے احساس, بے جان ارادے, بے رنگ سوال, بے نور کشاکش, بے چین خیال. دن خاتلانہ بن چکے تھے اور راتیں زہریلی. آدمی کو چاہیے وقت سے ڈر کر رہے, کون جانے کس گھڑی وقت کا بدلے مزاج. آگے بھی جانے نہ تو پیچھے بھی جانے نہ تو, جو بھی ہے بس یہی ایک پل ہے. انجانے سایوں کا راہوں میں ڈیرا ہے, اندیکھی باہوں نے ہم سب کو گھیرا ہے. یہ پل اجالا ہے باقی اندھیرا ہے, یہ پل گنوانا نہ یہ پل ہی تیرا ہے. جینے والے سوچ لے یہی وقت ہے, کر لے پوری آرزو. آگے بھی حساس لوگوں کا مجمع ہے. آپ سب خوب جانتے ہیں کہ اپنے دل کی گہرائیوں میں جو تنہائی ہوتی ہے وہ کسی اور کو دکھائی نہیں دیتی. دل جب ٹوٹتا ہے تو اس کا جو شدید درد ہوتا ہے وہ بانٹا نہیں جا سکتا. اندر ہی اندر وہ مجھے کھائے جا رہا تھا. نہیں مجھے اپنے فن میں کوئی دلچسپی رہی, نہیں دوست و احباب میں. رفتہ رفتہ سب مجھ سے دور ہو گئے, ان سے میری مایوسی اور میرا چڑچڑاپن برداشت نہ ہو سکا. مجھ پر میری تنہائیاں رہ رہ کر حملہ کر رہی تھیں. کس کا رستہ دیکھے اے دل اے سودائی, میلوں ہے خاموشی برسوں ہے تنہائی. بھولی دنیا کبھی کی تجھے بھی مجھے بھی, پھر کیوں آنکھ بھرائی. کس کا رستہ دیکھے اے دل اے سو, تجھے کیا بیتی ہوئی راتوں سے
मुझे क्या खोई हुई बातों से, सेज नहीं चिता सही, जो भी मिले सोना होगा। हो गई जो डोरी छूटी हाथों से, लेना क्या छूटे हुए साथों से। खुशी जहां मांगी तूने, वहीं मुझे रोना होगा। ना कोई तेरा ना कोई मेरा, फिर किस की याद आई, किसका रास्ता देखे। ऐ दिल ऐ सौदाई, मीलों है खामोशी, बरसों है तन्हाई। 22 अक्टूबर 1980 की बात है। मुझे खबर मिली कि मेरे अजीज दोस्त डॉक्टर कपूर बीमार हैं और शदीद बेचैनी का शिकार हैं। मैंने हिम्मत बनाई और उनका दिल बहलाने उनके घर जाने का इरादा किया। नहाकर बालों की कंघी की, शेव बनाया, हमेशा की तरह साफ सुथरे कपड़े पहने, असलम से कहा कि गाड़ी निकाले और डॉक्टर कपूर के घर पहुँच गया। मुझे देखकर पहले तो वो समझे कि मेरी अपनी तबीयत नासाज है, लेकिन जब मैंने वहाँ आने की वजह बताई तो वो बड़े खुश हुए और कहने लगे कि मेरे आने से उनके दिल पर जो बादल छा गए थे वो अब छटने लगे हैं। चाय का दौर चला, इधर उधर की कुछ बातें हुई, मगर गुफ्तगू में हमारा जहन साथ नहीं दे रहा था। हम दोनों किसी सियाह बादल की परछाइयों से निकल नहीं पा रहे थे। मैंने दिमाग कहीं और मोड़ने के लिए कहा, चलिए शतरंज खेलते हैं। बिसात बिछी और हम मोहरों को ताकने लगे। खेल अभी जोर पकड़ ही रहा था कि मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई अपने पूरे वजन के साथ मेरे सीने पर बैठा हो और मेरे गले को दबा रहा हो। एसी चल रहा था, लेकिन पसीने के खतरे मेरी पेशानी से मोहरों पर टपकने लगे। डॉक्टर कपूर चौंक गए, मेरी तरफ देखा और कहने लगे, साहिर तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हो रहा है? मेरी नज़रों के सामने मेरी सारी ज़िंदगी दौड़ने लगी। एक ख्याल दिल में उभरने लगा, जिंदगी तलख सही, जहर सही, सम ही सही। जिंदगी तलख सही, जहर सही, सम ही सही, दर्द व आज़ार सही, जब्र सही, गम ही सही, लेकिन, और ये आखिरी अल्फाज मेरी ज़बान से निकल ही पड़े, मैं मरना नहीं चाहता। सागर से उभरी लहर हूँ मैं, सागर में फिर खो जाऊँगा। मिट्टी की रूह का सपना हूँ, मिट्टी में फिर सो जाऊँगा। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मेरी सांस तो थम गई, मेरी नब्ज जम गई, बदन सर्द हो गया, रूह परवाज कर गई, लेकिन मेरे दम तोड़ने के बाद का भी एक किस्सा सुन लीजिए। जानिसार अख्तर मेरे सबसे अजीज दोस्तों में से थे। अम्मी को गुजरे एक महीना ही हुआ था कि वो भी मुझे छोड़ गए। उनका लड़का जावेद अख्तर मेरे यहाँ आया करता था। मैं उसे नौजवान कहकर पुकारता था, वैसे उन दिनों वो था भी। एक दिन वो जब घर आया तो मुझे एहसास हुआ कि उसकी माशी हालत ठीक नहीं है और उसे कुछ मदद की ज़रूरत है। मैं ये भी जानता था कि वो बड़ा खुददार है और अपनी ज़बान से कुछ कभी तलब नहीं करेगा। मेरी आदत थी कि जब मैं नर्वस होता तो अपनी जेब से कंघी निकालकर बाल संवारने लगता। कंघी फिरते हुए मैंने कहा, नौजवान जी वो दराज खोलना। उसने दराज खोला। मैंने कहा, वहाँ कुछ रुपये पड़े हैं, ले लेना। उसने मना करने की कोशिश की, लेकिन कुछ तो मेरा इसरार और कुछ उसकी अपनी मजबूरी थी, लेकिन उसने आखिरकार पैसे ले लिए। कुछ 200 रुपये थे। ज़िंदगी का इत्तेफाक देखिए कि उसके कुछ ही दिन बाद उसकी किस्मत यूं पलटी कि उस पर पैसों की बारिश होने लगी। जंजीर और शोले जैसी फिल्मों के बाद उसने दीवार और त्रिशूल की कहानियां भी लिखी, जिसमें मुझे भी उसके साथ काम करने का मौका मिला।
जब हम किसी महफिल में होते तो मजाक में कहता, साहिर साहब मुझे आपके 200 रुपये लौटाने हैं। मैं हंसकर बात बदल देता। जब मैं इस दुनिया से रुख्सत हुआ तो मेरा जनाजा कब्रिस्तान पहुँचा। वाजिदा तबस्सुम के शौहर अशफाक दफन के इंतज़ाम में जुटे हुए थे। कुछ देर बाद वो जावेद के पास आए और कहने लगे, जावेद साहब मुझे जैसे ही खबर मिली मैं दौड़ा दौड़ा आया। इतना मुस्तरिब था कि मैं अपना बटवा लाना भूल गया। खबर खोदने वालों को कुछ पैसे देने हैं, आपके पास रुपये होंगे? जावेद ने जवाब दिया, हाँ हैं, कितने चाहिए? अशफाक ने कहा, 200 रुपये। इस तरह मेरा ये पल दो पल की ज़िंदगी तमाम हुई। लेकिन मेरी ना मरने की आखिरी ख्वाहिश का क्या हुआ? सच पूछो तो मेरी वो तमन्ना भी पूरी हो गई। मैं अपनी शायरी और नगमों के ज़रिए अपने दौर की कहानी लिखना चाहता था। मैं चाहता था कि आम लोगों की ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी की खूबसूरती, उनकी उम्मीदें और उनकी उमंगों के बारे में लिखूं, उनके जद्दोजहद का हिसाब रखूं और उनकी कहानियों को अपने अल्फाज में पिरो लूँ ताकि उन्हें तारीख़ के पन्नों से मिटाना नामुमकिन हो जाए। मेरी कोशिश ये रही कि जहाँ वतन की अज़मत के गुन गाऊँ वहाँ उनके रहबरों की तनखीद भी करूँ ताकि मुआशरे की तब्दीली में मेरा हिस्सा भी हो। मैं हमेशा इस बात पर ज़ोर देता रहा कि किसी भी मुल्क में सियासी लीडरों के से ज़्यादा अहम उस मुल्क की आम आवाम होती है। एक रोशन ख्याल रियासत में सरकार की तनखीद करना न सिर्फ आम इंसान का हक है, ये एक जमहूरी फ़र्ज़ भी है। ये गद्दारी की नहीं हुब्बे वतन की निशानी है। मैं अपने दौर का हिस्सा तो था ही, मगर आज की महफिल इस बात का सबूत है कि मैं आपके दौर का भी हिस्सा हूँ। मुझे पैदा हुए 100 साल हुए और मरे 40, लेकिन मैं आपके दरमियान खड़ा हूँ। ये है मेरा सहर, ये है मेरा जादू। मैंने सोचा था कि अगर मैं आम इंसानों की कहानियों को अपनी अमानत समझकर उन्हें सच्चाई से बयान करूं, तो उनमें छुपे हुए सच हमेशा के लिए महफूज रहेंगे। मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि इस फ़र्ज़ को निभाते हुए मैं ख़ुद अमर हो जाऊंगा। ये है मेरे जादू का राज। यही वजह है कि मैं पल दो पल का नहीं, मैं तो हर एक पल का शायर हूँ। हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। मेरी ख्वाहिश है कि वक्त अच्छा हो या बुरा, मेरे अल्फाज आपके काम आएं, आपकी ज़िंदगी में रंग भर दें, चाहत के, मानवियत के, खुलूस के, मोहब्बत के, उसी तरह जिस तरह आपके सहारे ने मेरी अपनी ज़िंदगी मुनव्वर कर दी। मैं मरना नहीं चाहता था और आपने मुझे मरने नहीं दिया। मैं आज भी ज़िंदा हूँ, इन फिज़ाओं में, इन हवाओं में, इन गली कूचों में, इन परचमों में, इन नारों में, इन बगावतों में। मैं आज भी ज़िंदा हूँ और कल भी ज़िंदा रहूँगा। मजबूर बुढ़ापा जब सूनी राह की धूल फांकेगा, मैं वहाँ आपको मिलूँगा। मासूम लड़कपन जब गंदे कारखानों में मेहनत करेगा, आप मुझे वहाँ पाएंगे। सरमाए के खहबे खाने में जब दोशेज़ाओं की जवानी का सौदा होगा, मैं वहाँ खाक उड़ाता नज़र आऊँगा। फाखों की चिताओं पर जब इंसान जलाए जाएंगे, मैं भी उन्हीं शोलों में तड़पूंगा। जब कोई मजलूम जालिम से आंख लड़ाएगा तो वो मुझे अपने हमराह पाएगा। जब किसी एहतजाज करने वाला पुलिस की लाठी खाएगा, मैं उसे हौसला देने पहुंच जाऊंगा। जब कोई भूखा बेबस इंसान अपना हक मांगेगा, मेरी आवाज़ उसकी आवाज़ में शामिल रहेगी। और अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी खुशियों में भी आपका साथ दूंगा। जब किसी के आने की खबर लेके हवाएं आएं, जिस्म से फूल चटकने की सदाएं आएं, जब कोई आपकी तरफ देख के बाहें खोले, जब किसी का हाथ आपके हाथों से कुछ मांगे, जब किसी के ख्वाब आपके ख्वाबों से कुछ तलब करें, जब कहीं रूह खिलने लगे, होंठ तपने लगें, दिल मचलने लगें, जब निगाहों में चमक, दिल के तारों में खनक, सांसों में महक, जुल्फों में लचक या आंचल में धनक जाग उठे, मैं आपकी खुशियों को देखकर अपने आप को मसरूर पाऊंगा। और ख़ुसूसन जब कोई अधेड़ उम्र का इंसान अपनी हम उम्र माशूखा से मोहब्बत का इजहार करेगा, तो मैं उसके जज्बात को अल्फाज देने ज़रूर पहुँच जाऊँगा।
ऐ मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवान तुझ पे कुर्बान मेरी जान ये शोखियाँ ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं मैं तेरी तू अभी तक है हसी और मैं जवान तुझ पे कुर्बान मेरी जान तू मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे ओ सनम मैं तेरा आशिके जावेदा ओ सनम मैं तेरा आशिके जावेदा मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवान तुझ पे कुर्बान मेरी जान जाते जाते आखिरी बार बात सुना था करूँ कार्य दुनिया कभी का तमाम नहीं होता ये काम नस्ल दर नस्ल जारी है कल जहां मैं था आज आप हैं कल जहां हमारी लड़ाई थी आज आपकी है मेरे अजीज दोस्त फैज़ अहमद फैज़ ने एक बड़ी प्यारी नज़्म लिखी थी निसार मैं तेरी गलियों पे ऐ वतन के जहां चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले नज़र झुका के चले जिस्म जां बचा के चले वो यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क न उनकी रस्म नहीं है न अपनी रीत नहीं यूं ही हमेशा हिलाए हैं हमने आग में फूल न उनकी हार नहीं है न अपनी जीत नहीं हार और जीत के बारे में मैं तो नहीं जानता अलबत्ता ये आपसे कहता चुनूं कि शिकस्त तो फतह मियाँ इत्तेफाक है लेकिन शिकस्त तो फतह मियाँ इत्तेफाक है लेकिन मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब किया और जब कभी सच्चाई का जुल्म से मुकाबला होता है तो आवाज़ उठाने वालों को अपने लहू की कीमत ज़रूर देनी पड़ती है लेकिन अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ सीखा है तो ये कि जुल्म फिर जुल्म है बढ़ता है तो मिट जाता है खून फिर खून है टपकेगा तो जम जाएगा खाके सहरा पे जमे या कफे खातिल पे जमे फ़र्क इंसाफ पे या पाए सलासिल पे जमे तेगे बेदात पे या लाशे बिस्मिल पे जमे खून फिर खून है टपकेगा तो जम जाएगा तुमने जिस खून को मख्तल में दबाना चाहा आज वो कूचो बाजार में आ निकला है कहीं शोला कहीं नारा कहीं पत्थर बनकर खून चलता है तो रुकता नहीं संगीनों से सर उठाता है तो दबता नहीं आईनों से जुल्म की बात ही क्या जुल्म की औकात ही क्या जुल्म बस जुल्म है आगाज़ से अंजाम तलक खून फिर खून है सौ शक्ल बदल सकता है ऐसी शक्लें कि मिटाओ तो मिटाए न बने ऐसे नारे के दबाओ तो दबाए न बने ऐसे शोले के बुझाओ तो बुझाए न बने थैंक यू दैट क्लीशेड थिंग की कल और आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले तुमसे बेहतर सुनने वाले कल कोई मुझको याद करे क्यों कोई मुझको याद करे मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे आप में से जितने वक्त बर्बाद करना चाह रहे हैं वो हर साल हमारे यहाँ आए और हर वेंसडे को हम 5 बजे से 7 बजे तक ऐसे ही कुछ करते हैं
तो आप लोगों से दावत की आप उसमें जरूर आए और अगले साल की सालगिरह में आपको पेशगी मुबारकबाद और आपको आप वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू थैंक यू